उड़ना शुरू हो जाएंगे। अब सभी को 5 बजे का टाइम दिया था, तो सभी टाइम पर जुड़ने का प्रयास करेंगे। यामिन भाई, राजीव पटेल जी भी जुड़ गए मिशन चौक रोड ट्री वाले जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव साहब का, जो मिशन चौक रोड पेड़ के का एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आज वो हमारे बीच में है, हम उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद जी। हमारे बीच में रीना रानी जी सरूरपुर प्राइमरी स्कूल में है, बहुत ही इनोवेटिव टीचर हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। राजीव जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन 100 करोड़ ट्रीज के प्रणेता राजीव जी, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। इसी बीच में मैं बहुत ही खुशी के साथ बता रहा हूँ, हमारे बीच में डॉक्टर संजीव राय जी जुड़ चुके हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से। बहुत ही बढ़िया लेखक हैं, बहुत ही बढ़िया चिंतक हैं और बहुत ही बढ़िया मोटिवेटर हैं, वो हमारे बीच में जुड़ गए हैं और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए अपना अमूल्य समय दिया है। वो काठमांडू यूनिवर्सिटी में 5:30 बजे उनका सेशन है, तो उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी देर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा, तो उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से सबसे पहले हम उन्हीं को सुनकर हम प्रेरित हों। बस 2 मिनट में, अभी 5:02 है, 5:05 पे हम इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये मैं बस जुड़ा हूँ, मैं कोई वक्ता के रूप में आज नहीं हूँ, आज मैं श्रोता के रूप में हूँ, तो आप लोगों को सुनूंगा। तो आपका जो एजेंडा है वैसे ही जारी रहे। आपका आना ही जुड़ना ही हमारे लिए बहुत बड़े जो है सौभाग्य की बात है सर। और एक और खुशी, हमारे बीच में पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं जी। जो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से हैं और पर्यावरण पर बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मेन वक्ता हैं, वो हाजिर हो चुके हैं, उनका स्वागत है बहुत बहुत। और इसी बीच में हमारे बीच में अजय तोमर जी, बहुत ही इनोवेटिव टीचर्स हैं, किवाना प्राइमरी स्कूल कांदला के पास डिस्ट्रिक्ट शामली में, बहुत ही बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। धन्यवाद यामिन भाई। हमारे बीच में उस्मान इंजीनियर साहब जुड़ चुके हैं, जो आज के वक्ता हैं, बहुत ही बढ़िया सोशल रिफॉर्मर हैं और पर्यावरण के मुद्दों पर बहुत ही चिंतक हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शालू जी जुड़ चुके हैं हमारे से शामली में प्राइमरी स्कूल, इनोवेटिव टीचर्स हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे बीच में खिदमत एकेडमी के डायरेक्टर समीर हसन जी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है।
हो हमारे बीच में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बड़ौत डाइट से हमारी प्रवक्ता मंजू सैनी जी जुड़ चुकी हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। जी 5:06 हो चुके हैं। हमारे बीच में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अनीस अहमद जी जुड़ने हैं, अभी अभी तक वो नहीं आए, तो हम सोच रहे थे आज की अध्यक्षता उनसे कराएं, तो वो अभी तक उपस्थित नहीं हो सके, तो कोशिश करते हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं, नहीं तो फिर हम हमारे जो सीनियर हैं, हमारे संजय राणा जी हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो आज के हमारे प्रोग्राम की अध्यक्षता करें। यामीन जी, मैं जी सर, सीनियर तो हम में पंकज चतुर्वेदी जी हैं, और जी सर, हाँ ये भार उन्हीं को दीजिए। जी रिक्वेस्ट करते हैं सर उनसे। जी, अभी रिक्वेस्ट करते हैं सर। चलिए अब शुरू करते हैं, लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और हम रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी से कि वो आज हमारे प्रोग्राम की, इस शानदार प्रोग्राम की, इस जागरूकता प्रोग्राम की, इस नेक और पवित्र कार्य की आज की अध्यक्षता करें, तो मैं उनका नाम प्रस्ताव करता हूँ आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता के लिए। एक और बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में जनपद शामली के हमारी आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया गीता वर्मा जी जुड़ चुकी हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आज के इस प्रोग्राम में। अब मैं अध्यक्ष हिंदमत सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज के सभी अतिथियों का स्वागत करके प्रोग्राम की शुरुआत कराएं, अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर के। डॉक्टर इरफान मलिक, अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज सबका स्वागत करें। जी अदिल जी नमस्कार, अदिल जी इजाजत है? नमस्कार। वैसे तो मैं आपको एक चीज बताऊं, वेबिनार ने जो पारंपरिक तरीके थे सेमिनार्स के अध्यक्ष मुख्य अतिथि का, उसको बदल दिया है, और इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होता है। बहरहाल मुझको लगता है इसको तो शुरू करना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। आज यहाँ इस वेबिनार में जितने भी हमारे सम्मानित शख्सियत रशीद फर्मा हैं, जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और शुक्रिया का अदा करता हूँ मास्टर यामिन साहब का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आज, जो कि खास तौर पे पर्यावरण दिवस के रूप में आज मनाने जा रहे हैं, कल 15 5 जून है,
उसके लिए भी मास्टर जी तैयारी कर रहे हैं, हमें भी जोड़ रहे हैं। खैर मास्टर जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमें जोड़कर चल रहे हैं अच्छे काम के लिए और हम सबके लिए अच्छा काम है। आप सभी देखते हैं आज के लिए क्या चल रहा है, जो आपदा आ रही है इसका एक मेन कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए हैं अपने पर्यावरण को बचाने में। तो फिर से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सभी जुड़े और हमें आप सबको सुनने का मौका मिलेगा, इसके लिए हम तैयार हैं। आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर साहब जी। बस कुछ लाइन के साथ मैं शुरू करता हूँ कि दर्द की दवा चाहिए, जीने की दुआ चाहिए, सांसें चलती रहे, साफ हवा चाहिए। तो प्यारे दोस्तों साथियों और आदरणीय हमारी मैडम बीएस मैडम डाइट से हमारी मेंटर्स और आज के उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सबका स्वागत करते हुए और आपसे अध्यक्ष जी से आज्ञा लेते हुए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर संजीव राय जी उनको काठमांडू यूनिवर्सिटी में जो है वेबिनार में जुड़ना है 5:30 बजे, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपने वो आशीष वचन से हमारा मार्गदर्शन करें, भले ही कम शब्दों में जो है वो हमें थोड़ा सा समय दें तो ज़रूर। वो कह रहे थे कि आज मैं वक्ता नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि उनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से जो है जुड़ने की कोशिश करते हैं। और हमने जब यूनिसेफ की एक डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग की तो हमने उनके सानिध्य में रहकर के बहुत अच्छे काम सीखे थे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर संजीव राय जी से वो हमें अपना आशीष वचन जरूर दें। डॉक्टर संजीव राय जी बहुत बहुत आभार आपका सुन जी। देखिए ये जो गीत है इसमें पंकज जी हैं मुख्य वक्ता और उन्होंने पर्यावरण पे बहुत सारा काम भी किया है, अध्ययन भी किया है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे कठिन समय में जब ये डिबेट बहुत पुरजोर तरीके से होनी चाहिए थी ये इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है। तो एक ये बहुत मतलब मैं इसके लिए आपको देना चाहता हूँ, बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि महामारियों का अगर इतिहास आप जब देखेंगे तो उसमें खास तौर से जितना उसके बारे में मालूमात कमी है क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन हुआ नहीं है, लेकिन समीर हसन जी अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। लेकिन 6वीं शताब्दी से जैसे प्लेग का अगर मैं उदाहरण लूं तो 6वीं शताब्दी से उसके निशान मिलते हैं कि वो बीमारी महामारी के तौर पर धीरे धीरे एशिया में और अफ्रीका के देशों में उसके सबूत मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अस्पताल, लैब, ये सब नेटवर्क तो धीरे धीरे बड़े होते गए, लेकिन जो मूल कारण था, मूल कारण किसी भी महामारी का जो होता है वो हमारे पर्यावरण से जुड़ा होता है। और तो इसलिए उन मूल कारणों पे बातचीत होना चाहिए, हमारे अपनी रहन सहन पे होना चाहिए, प्रकृति के साथ हमारे जो संबंध हैं, जो समन्वय है उस पे होना चाहिए। और यही मतलब लंबे समय में एक समाधान होगा। तो मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूं और अभी मैं 10-15 मिनट आपके साथ रहूंगा और आप लोगों की बात सुनना चाहता हूं। आपने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, पूरी खिदमत सोसाइटी को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आज बहुत जरूरी है ये जो शुरुआत हम लोगों ने की है, बल्कि हमसे पहले भी बहुत सारे लोग कर चुके होंगे क्योंकि कल पर्यावरण दिवस है। तो इस अवसर पर हमने इसकी संध्या, पूर्व संध्या पर हमने एक कोशिश की है और कुछ लाइन लिखी थी मैंने कि आओ घोंसला बनाएं जिसमें गोरैया आए, आओ तालाब बचाएं जिसमें पानी भर जाए, आओ पेड़ लगाएं जो ऑक्सीजन बनाएं, आओ साइकिल चलाएं प्रदूषण मुक्त हो जाएं। तो मैं आपको अभी एक फोटो जो है शेयर करना चाहूँगा कि जो अभी आप देखेंगे एक फोटो बहुत कुछ बयान करता है। आप देख रहे होंगे
ये फोटो पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं, इसमें दिखाया गया है कि या तो आप ऐसा कर लें नहीं तो ऐसा होगा। मरीज से इस पेड़ को, इस फोटो को देख करके सब कुछ बयान हो जाता है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आप सब ने जो है, जैसे हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, किताब में पंकज जी हैं और हम लोगों के साथ ही जुड़े हुए हैं। जी जी जी, इनका नाम पंकज जी है और ये हम लोगों के साथ ही जुड़े हुए हैं मिशन 100 करोड़ में, और हम लोग के काफ़ी प्रोग्राम में आए हैं, नोएडा में रहते हैं और लोगों को फ्यूचर से अवगत करा रहे हैं। सॉरी मैंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन फोटो दिखा तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा मुझे बोलना चाहिए। जी तो ये फोटो, ये तो कह रहा हूँ कि ये सब कुछ बयान कर रहा है कि जो आने वाला भविष्य हमारा क्या होगा, और हमें इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। हालांकि हमें हमारे बीच में से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी अभी हमारे बीच में से चले गए। अच्छा, ईश्वर उनको जो है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, कि वो उन्होंने पेड़ों की फिक्र की थी और छिपका आंदोलन चलाया था, तो शायद इसीलिए कि पेड़ तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि पौधारोपण सभी करते हैं, फोटो सब खिंचवा लेते हैं, लेकिन असली बात है उनको हम बचाएं कैसे। सबसे बड़ी बात है कि हम पेड़ों को बचा लें, उनको गोद ले लें, उनको अपने बच्चों की तरह पालें। और अब तो लोग ये शुरुआत भी करने लगे कि जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं, और कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, उस पर पेड़ लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ लगाने के बाद उसकी जिम्मेदारी, उसको बचाने की, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी चाहिए। जो पेड़ हमारे लिए क्या नहीं देते, वो बाढ़ को रोकते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं, वो भूकंप को रोकते हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो जो हमें इतना सब कुछ देते हैं, हम उन्हीं को देखो निर्दयता से कैसे काटते हैं उनको। जंगल के जंगल है हमने साफ कर दिए, तो आज हमें ज़रूरत उसी ऑक्सीजन की पड़ गई। इस महामारी के अंदर हमने देखा कि लोग कैसे ऑक्सीजन के लिए परेशान रहे, कैसे सिलेंडर ढूंढते रहे। तो अगर लोग ये ऐसे निर्दयता से इस तरह के काम ना करते तो शायद जो हमें ऑक्सीजन की या इस महामारी से हम बच सकते थे। तो अब मैं इसके बाद में फिर वापस आते हुए, जैसा मैंने बताया था, आओ घोंसला बनाए जिसमें गोरैया आए, आओ तालाब बचाएं जिसमें पानी भर जाए, आओ पेड़ लगाएं जो ऑक्सीजन बनाए, आओ साइकिल चलाएं प्रदूषण मुक्त हो जाएं। तो हमारे बीच में ऐसे ही राजीव पटेल से जुड़े हुए हैं जो राजीव कुमार जी, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और अपने मिशन से अवगत कराते हुए हमारा मार्गदर्शन करें, कैसे हम पेड़ों की रक्षा करें, कैसे उनको लगाएं। और जैसे सभी लोग लोकल स्तर पर अपने स्थानीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या विशेष कार्य किया है कि जिससे हम पेड़ों की ओर आकर्षित हों और उनको लगाने के लिए प्रेरित हों। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। राजीव कुमार जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं राजीव कुमार, मिशन 100 करोड़ से। और हम लोग अभी पर्यावरण पे कुछ ज़्यादा काम नहीं किए हैं, बस स्टार्ट किए हैं। मिशन 100 करोड़ ना तो कोई NGO है, ना कोई सोसाइटी है, और ना किसी ऐसा हमें बनाने का फ्यूचर में भी कोई प्लान है। हम लोग का इसका जो मेन मोटिव है, मोटिवेशनल कैंपेनिंग के तौर पे हम लोग इसको कर रहे हैं। और आज के डेट में ये लगभग देश के लगभग 200 से 300 डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग है, और लोग खुद से इसे जुड़ के काम कर रहे हैं। हम लोग का जो इसमें सोच है सर, कि आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस है, अभी हम लोग का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्तर पे करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। अपने देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ कोई टीम नहीं है, उनके साथ कोई ऐसा ग्रुप नहीं बन पा रहा है जिसके साथ वो कुछ पेड़ लगाए या कोई पर्यावरण के लिए वो कुछ काम करता है।
मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग जो भी हैं जहां भी है उन लोगों को हम अपने साथ ला रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, और जो हमारे लोग वहां से हमसे जुड़े हुए हैं उनको उनके साथ जोड़ने की हमारी कोशिश होती है कि जिससे उनको एक टीम मिले, उनको एक ग्रुप मिल जाए जिनके साथ वो काम करे। अपने देश में मतलब कि मेरा एक बहुत छोटा सा इसमें बोलना है कि काम करने के लिए बहुत चाह रहे हैं लेकिन उसको आगे लेके जाने के लिए कोई नहीं चाह रहा है। सभी एक तरीके से डब्बे बन के बैठे हुए हैं। इंजन की जरूरत है हमें। जब तक कोई एक इंजन नहीं मिलेगा तब तक उन सभी को आगे खींचने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर गांव में एक इंजन तो बन जाए जो बाकी गांव के सारे लोगों को अपने साथ जोड़ के आगे लाए, और मिशन 100 करोड़ का यही टारगेट है कि हर व्यक्ति हर साल एक पौधा लगाए। हम तो पूरे 132 करोड़ लोगों को अपना मेंबर बना लिए हैं, बाकी वो इस मिशन को अपना मिशन कब बना रहे हैं इसे उनके ऊपर हम लोग छोड़ रखे हैं। तो हम लोगों का इसमें यही विशेष है कि यहाँ पे जो भी हमारे 20 लोग सुन रहे हैं उसमें सिर्फ एक अभिषेक सर को मैं जानता हूँ जो मुझे यहाँ पे इनवाइट भी किए और वही बाकी लोगों को बताए थे। तो 20 लोग जहाँ से भी हैं जैसे भी हैं अगर सब लोग को ये कंसेप्ट मिशन 100 करोड़ का क्या है अगर उन लोगों तक पहुंचेगा और उन लोगों से आगे और लोगों तक पहुंचेगा। करना कुछ नहीं, अपना बर्थडे, अपना एनिवर्सरी, अपना कोई भी अपना मेमोरी जो लाइफ टाइम तक याद रखना चाह रहे हैं या कोई ऐसा ओकेजन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर एक पौधा भी लगाइए। जहाँ लाखों का खर्च हो रहा है वहाँ पे 100 रुपया और सही, क्योंकि वो चीज़ आपको लाइफ टाइम तक याद देगी कि इस जन्मदिन पे, इस एनिवर्सरी पे या इस ओकेजन पे हमने इस प्लांट को लगाया था। तो हम लोग का बस सीधा सा एक ही कंसेप्ट है, जो भी है जहाँ भी है सब आगे निकले, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब हम लोग आगे नहीं निकलेंगे तो जो स्थिति अभी हुआ है जितने भी लोग अभी ऑक्सीजन के कारण जिनका स्थिति आप लोग को सामने है, तो यहाँ पे ना पैसा काम आया ना प्रॉपर्टी काम आया। अच्छे अच्छे लोग पैसे वाले भी ऑक्सीजन के कारण हमारे बीच नहीं रहे। तो यही हम लोग का बोलना है कि अब हर आदमी को समय निकालना होगा। समय निकालना बहुत आसान है लेकिन लोग चाहत होनी चाहिए कि हमें समय निकाल के पर्यावरण पे भी काम करना है। और हम तो साल में सिर्फ उनसे 1 घंटा मांग रहे हैं किसी दिन कि आप एक पेड़ लगाइए बरसात में, अगर आपसे केयर नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे साथ आइए, हम लोग उसको खींचने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी लगेगा उसके आसपास जो भी लोग हैं उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन आगे आना होगा, लगाना खुद से ही होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी को डोनेशन 500 हजार रुपये दे दिए और उसको बोल दिए कि आप हमारे लिए 5 पेड़ लगा दीजिए। तो ये कोई आप सिर्फ वहां पर भी आप पैसा ही दिखा रहे हैं कि आप हमसे पैसा ले लीजिए। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए स्वयं हमें आगे आना होगा। पैसा मैटर नहीं करेगा। आप निकालिए दिल्ली का 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, आप ऑफिस जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उसी के रोड पे वो पेड़ लगाइए। और पेड़ भी छोटा मत लगाइए, क्योंकि छोटे में लगाने के लिए आपको ट्री गार्ड की जरूरत पड़ेगा और सब चीजों की जरूरत पड़ेगा तो वो कॉस्टली पड़ जाता है। आप 200 रुपये का ही पेड़ खरीद लीजिए, 10 से 12 फुट का कोई पीपल बरगद जहां भी आपको लग रहा है लगाइए। और उसमें मतलब कि आपके ऑफिस के रास्ते में है तो एक केन आप गाड़ी में रख लीजिए जिसमें पानी रखे रहिए। हफ्ते में 2 से 3 दिन भी अगर पानी दे दीजिएगा बरगद, तिलखन, गुल्लर और पीपल, इन तीनों को महीने में अगर 10 दिन भी इसको पानी मिल जा रहा है तो ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। तो मैं इतना ही बोल के अपना वक्त समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने तो लोगों को जोड़ लिया, अब लोग कितने जोड़ते हैं इस मिशन से ये बहुत बड़ी बात है। किस प्रकार से जो है हम पेड़ों के लिए समर्पित होते हैं, पर्यावरण के लिए समर्पित होते हैं। इसी बीच में मैं माफी मांगते हुए हमारे बीच में अभिषेक स्वरूप जी हैं जिनको 6 बजे उनको भी सेशन से जुड़ना है। दूसरे आजकल ऑनलाइन बहुत सेशन चल रहे हैं और जो ये हमारे जो है हम सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया, और क्योंकि लोग इनको काफ़ी इनवाइट करते रहते हैं तो इन्होंने हमारे एक निवेदन को मानते हुए हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में हमारी BSA मैडम जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे साथ थोड़ी देर जुड़े रहें, हमें अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो एक बार मैं BSA मैडम से पूछना चाहता हूँ कि अभी कोई समय की प्रॉब्लम तो नहीं है अभी BSA मैडम?
अमीन जी मैं रास्ते में हूँ, आप लोगों की बातें सुन रही हूँ रास्ते में जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ये शामली की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गीता वर्मा जी हैं, जो सभी टीचर्स को अपने बच्चों की तरह मानते हैं, भाई बहन मानते हैं, हमें उत्साहवर्धन करती रहती है, हमें प्रेरित करती रहती है, और शायद आज शामली जिला बहुत आगे चल रहा है बेसिक एजुकेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभिषेक जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपने जो है आशीष बच्चन से अपने जो उनका तजुर्बा है और जो उनके ताऊ जी ने जो मेहनत की थी, 27 साल आंदोलन किया गंगा के लिए, अब तरुण भारत संघ से वो जुड़े रहे और उन्हीं के ट्रस्ट को वो उसके सचिव हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के कार्यों को उनके आदर्शों पे चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें किस प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और जो आजकल पर्यावरण की जो इस साल की थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, तो उसको हम किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं। तो अभिषेक स्वरूप जी का हम स्वागत करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। अभिषेक स्वरूप जी। धन्यवाद यामिन भाई, सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बहुत ही अच्छी थीम इस बार ली गई है, क्योंकि अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो पहले ही हम इकोसिस्टम को इतना खराब कर चुके कि प्रोटेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, तो इसको रिस्टोर करना पड़ेगा, बल्कि रिजुनोवेट करना पड़ेगा। तो पर्यावरण से मेरा संबंध बचपन से ही जुड़ा हुआ है, कृषक परिवार से होने के नाते। दूसरे मुझे ईश्वर का वरदान ये मिला कि भारत के पहले ट्रेंड एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का मैं भतीजा हूँ, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर और डीन रहे, वहां से फिर इस्तीफा देने के बाद पहले मेंबर सेक्रेटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रहे वो, और उसके बाद उन्होंने एक एनवायरोटेक इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई जो कि एयर पॉल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट्स बनाती। तो वो सब बचपन से मैं देखता रहा, पर्यावरण से जुड़ता रहा। बट पर्यावरण के जो विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस हैं और जो लोग पर्यावरण में काम कर रहे हैं, उनसे मेरा संपर्क 2008 से हुआ। 2008 में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने कहा कि भी मैंने अपना जीवन गंगा जी के अविरलता के लिए दिया है, अब मेरा मैं जीऊंगा तो इसके लिए और मरूंगा तो इसके लिए। और उसके बाद उन्होंने अपना पहला जो तप किया उत्तरकाशी में 13 जून 2008 से, तो उस दौरान उनके साथ रहने का मौका मिला। पहले वो आते थे घर में, एक आध घंटा उनके साथ बिताने का समय मिलता था, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, बट वो 15 दिन हम उनके साथ वहां पर रहे। और उस दौरान जैसे तरुण भारत संघ के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और सुंदरलाल बहुगुणा जी भी वहां पे आशीर्वाद देने के लिए आए, भरत झुंझुनवाला है और अनुपम मिश्रा जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे उनके विचार जानने को मिले, जिससे लगा कि नहीं, पर्यावरण का बहुत महत्व है हमारे जीवन में और इसको बिना इसके ऊपर ध्यान दिए वो हम प्रकृति को और संसार को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन वो उसका उल्टा रहा है। बचपन में हम रिड्यूस रिसाइकिल और रियूज की बात सुनते थे, ना आज रिड्यूस की कोई बात करता है, मतलब अपनी जरूरतें कम करें तो वो रिड्यूस हुआ। रिसाइकिल, पहले बड़े भाई की शर्ट छोटा भाई पहनता था, आज रियूज भी खत्म हो गया, रिसाइकिल भी खत्म हो गया। और रियूज कपड़ा जब फट जाता था तो उसको हम किसी दूसरे फॉर्म में यूज कर लेते थे, तो रिड्यूस रिसाइकिल रियूज बिल्कुल खत्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा मतलब यही है कि खर्च किस तरह से किया जाए, यूज एंड थ्रो पे हम आ गए, उसका पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम नहीं देख रहे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को, चूंकि गुरु गंगा एनवायरोटेक ट्रस्ट के सचिव होने के नाते हमारा काम गंगा जी के प्रति, गंगा जी की अविरलता को लेकर ज्यादा है, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि नदियों का बहुत बड़ा संबंध है किसी भी सभ्यता से। पहले सभी सभ्यताएं जो है नदी के किनारे ही बनती थी, और उसका एक विशेष कारण था, क्योंकि वो पूरे इकोसिस्टम को, आसपास के इकोसिस्टम को एक एनरिच करती रहती थी, मतलब उसमें समृद्धि लाती रहती थी, ताकि उसके किनारे रहने वाले लोग उसको यूज कर सके और अच्छा जीवन यापन अपना कर सके। लेकिन हमने क्या किया
हमने उन नदियों से जितना वो दे रही थी उससे ज्यादा लेने की हमने कोशिश की। प्रोफेसर जीटी अग्रवाल कहा करते थे कि आप नदियों को माँ मानते हैं, गंगा मैया कहते हैं, लेकिन आप उनकी हड्डियां भी निचोड़ने के लिए आज तैयार हैं। माँ दूध पिला सकती है अपने बच्चों को, लेकिन जब बच्चे उसका खून पीने लगे तो फिर माँ का बचना बहुत मुश्किल है, और जब माँ नहीं बचेगी तो बच्चे भी नहीं बचेंगे। तो गंगा की अविरलता के लिए उन्होंने अपने प्राण 2018 में 10 अक्टूबर 2018 को अपने प्राण दे दिए। वो सिर्फ उनकी ये मांग थी कि भाई नदी में एक फ्लो बना रहना चाहिए, नदी में 100% पानी में से 90% पानी हम निकाल लेते हैं सिंचाई के लिए या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसको हम अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। जब हम कहें पानी हो जाए तो हो जाए, और जब ना जब हम चाहें तो उसको रोक दें, तो उससे बहुत सारे इकोसिस्टम प्रॉब्लम है। आस्था की प्रॉब्लम तो है, क्योंकि गंगा जी को वो अपनी माँ मानते थे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता, तो प्राण दे दिए अपने। तो नदियों का पर्यावरण के साथ, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के साथ बहुत गहरा संबंध है। तो हमें अपनी नदियां बचानी होंगी, और साथ के साथ जो तालाब, जो वर्षा का जल संरक्षण है, वो लोकल लेवल पे हो। अगर हम हर गांव में पहले 10-15-20, कांधला जैसे कस्बे में कम से कम 15-20 तालाब होंगे, मैं कांधला का रहने वाला हूं मूलतः, तो आज वहां पे एक या दो तालाब बचे हुए हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब है। तो वर्षा जल संरक्षण के माध्यम से हमें सिंचाई की बाहर से जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो खुद से रिस्टोर होता रहता था, कुछ कुछ निकला थोड़ा सा ग्राउंड वाटर और उसको फिर बारिश में फिर वो रिचार्ज हो गया। अभी मेरे देखते देखते, मैंने 1993 में वीकेंड पे खेती भी करता हूं, तो मैंने देखा कि वाटर लेवल जो है मेरे खेत में वो 10-12 फुट से जाता जाता 60-70 फुट पे चला गया, और हम सबमर्सिबल को गहरा करते चले गए। उसके लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो अगर हम वर्षा जल संरक्षण करें तो ये ग्राउंड वाटर लेवल की जो समस्या है ये काफी हद तक दूर हो सकती है। और राजीव पटेल जी ने बताया ही वृक्ष का महत्व, वृक्ष लगाने से बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। ऑक्सीजन एक पार्ट है, फिर पशु पक्षियों के लिए एक आशियाना मिलता है, यामिन जी कह रहे थे गोरैया आए, फिर मिट्टी की पकड़, मिट्टी के कटाव में हमें मदद मिलती है, और जो मिट्टी की जो संरचना है उसमें भी कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि उसकी खेती के लिए भी उपयोगिता बढ़ती है। तो हमें पर्यावरण रिस्टोरेशन के लिए आपने या खिदमत सोसाइटी ने आज ये प्रोग्राम किया, और इससे मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। राजस्थान और इधर तालाब का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। तरुण भारत संघ का काम अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत बड़े इलाके में, मैं गया हूँ वहां पे जो उनका भीकमपुरा में केंद्र है, और राजेंद्र सिंह जी से मिला हूँ, तो उनका काम बहुत अच्छा है, चेक डैम बना के और उन्होंने वहां की सूरत बदल दी है। हमें भी इस पे आना पड़ेगा, आज नहीं तो 10 साल बाद आएंगे। तो अभी से अगर हम लोग वर्षा जल संरक्षण पर सोचना शुरू करें और पेड़ लगाए जाए ज्यादा, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का काम हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है अभिषेक जी, कि आपने बहुत ही कीमती विचारों से हमें अवगत करा, हमारा मार्गदर्शन किया। और आपने जो अभी कहा था कि घोंसला ऐसी बात, जो चिरैया की बात थी, तो उस पर मैं एक चार लाइन ये सुनाऊंगा। एक गाना है बहुत बढ़िया, सत्यमेव जयते, आमिर खान जी का प्रोग्राम है, उसको आया था। तो बल्कि डाइट मुजफ्फरनगर में उन्मैन नाम से एक मेला लगाता है, एक बेटे ने वहाँ पे एक जो प्रशिक्षक था उसने बहुत अच्छी तरह से गिटार बजाया था, आज तक गिटार नहीं है, वो आपको सुनाता कि वो गाना मैं जरूर सुनाऊंगा, सिर्फ एक मिनट लगेगी। ए ओरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर आ जा रे। तो देखो घोंसला जो अभी 2-3 साल से शुरुआत हुई कि हमारे घर में घोंसला होने चाहिए, कि हमारी जो चिरैया गोरैया चलेगी, हालांकि ये भ्रूण हत्या से भी जुड़ा हुआ है ये गीत, के भ्रूण हत्या यानी कि चिड़िया को जो है रूप दिया गया लड़की का, तो हमें भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए।
आज कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां लड़की लड़कों से किसी काम में कम हो, और आज हमारे प्रोग्राम में आप देख रहे हैं हमारे बीच में आदरणीय बीएसए मैडम जी हैं, और इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी से एक दिन फिर आप चले जाएंगे कि इन्होंने, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है स्कूलों में पेड़ों को लगवाना, और उसके लिए इन्होंने कोशिश ये की कि जिस जितना भी मिड डे मील तैयार होता है स्कूलों में तो उसके लिए किचन गार्डन तैयार हो हर स्कूल में, और जो खास खास हमारी जो औषधि के पेड़ हैं तो उनके लिए भी, जैसे चाहे आंवले का हो, अर्जुन का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, उन्हीं को भी लगाया जाए और औषधि वाटिका तैयार की जाए। तो इन्होंने सामने में बहुत सारे स्कूलों में जो है किचन गार्डन और औषधि वाटिका के लिए जो है सभी टीचर्स को मोटिवेट किया, और बहुत सारे स्कूलों में आज आप देखेंगे वहाँ जाकर के उसका सुखद परिणाम हमें प्राप्त हुआ कि आज बहुत सारे स्कूल में जो है किचन गार्डन है और औषधि वाटिका बनी हुई है। ये सब इन्हीं के मार्गदर्शन का परिणाम है। और हमारे बीच में मंजू जी जुड़ी हुई हैं, डाइट से डाइट की प्रवक्ता हैं, और हमारे भी रीना जी जुड़ी हुई है हमारे बीच में। तो ये सब जो है आज, क्योंकि किसी तरीके से जो हम जो सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो मीना मंच के माध्यम से हो स्कूलों में, चाहे वो लैंगिक समानता के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उनसे ये साबित हुआ कि अगर मौका मिले तो लड़कियां किसी भी फील्ड में आज कम नहीं है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि हमने गूगल लिंक जो है बहुत कम शेयर किए थे ताकि बर्डन ना हो और डिस्टर्ब ना हो, तो हमारा ये जो है आज की जो वेबिनार है इसका लाइव सेशन हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, तो इसलिए आप ये मत सोचना कि इसमें संख्या कम है, तो हमारा प्रोग्राम उधर चल रहा है लगातार। और अब मैं इसके बाद आमंत्रित करना चाहूँगा, पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे बीच में डाइट से जी 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 हमारे बीच अभी डॉक्टर अतीकुर रहमान जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रोफेसर हैं और मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग जी जी, उनका इस्तकबाल करते हैं हम अतीकुर रहमान जी का। और वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो कई देशों में अध्यापन कार्य कर चुके हैं, आज वो हमारे बीच में, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। और हमारे बीच में डाइट मुजफ्फरनगर से जो हमारे एमपी रहे वीरेंद्र अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, और वो भी जल बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत समय से कार्य कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में लीगल एडवाइज़र हैं खिदमत सोसाइटी के शकील अहमद जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में इंजीनियर उस्मान अहमद जी हैं, तो वो चिंतक हैं पर्यावरण के मुद्दों पर, वो बात करते रहते हैं सेमिनार में, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस्मान अहमद जी आएँ और वो अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। उस्मान अहमद जी उस्मान अहमद जी मुझे को सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, मुझे आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, और क्यों ना हो, वो इसलिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए आज उसके बारे में चिंतन हो, मनन हो, बातचीत हो, कुछ बातें सामने आए, इसीलिए प्रोग्राम आज रखा गया है। वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। दोस्तों, चीजें तो बहुत सारी हैं, और पर्यावरण की कड़ी जो शुरू होती है वो जंगलों से शुरू होती है। बहुत सारी चीजें जंगल से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जंगल से नदी जुड़ी हुई है, और जंगल से ही पशु पक्षी कितनी सब चीजें हैं। ये वायु का प्रदूषण, वायु दूषित होगी, प्रदूषित होगी या शुद्ध रहेगी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी जंगल। जंगल अगर हमारे सेफ रहेंगे, लैंडस्लाइड नहीं है, नदियां अपना रास्ता नहीं बदलेंगी, और जब नदियां रास्ता बदलती है, विकराल रूप लेती हैं, पेड़ नहीं होते, तो वो एक प्रलय की शक्ल है। तो दोस्तों, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, मतलब एक छोटी छोटी चीजों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रेमेडीज और कॉज एंड रेमेडीज, इसके क्या कारण है और क्या इसके उपाय हो सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को, पर बड़ी चीजों को पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा। अभिषेक जी ने तीन चीजें कही, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, बहुत अच्छी बात थी। हम इन सब चीजों को भूल गए हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है।
कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वुड एंड फर्नीचर, यानी वुड एंड का यूज कम से कम हम लोग करें लकड़ी का। पानी का अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पानी की आप देखें पिछला युग जो कहा गया हमारे वैज्ञानिकों ने कि अगला युग जो होगा पानी का, अभी हम आप देख रहे हैं सांसों के लिए लड़ाई हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, पैसा खर्च करने जितना मेरे पास है सब खर्च कर दूंगा लेकिन मुझे सांसें नहीं। तो इन सब चीजों को बचाना पड़ेगा और बहुत ही बचाना बहुत जरूरी है। गांधी जी का के बारे में मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो कितना ध्यान रखते थे पर्यावरण का, एक बार वो खाना खाने से पहले जिस तरह हाथ धोते हैं, एक जो उनके अनुयायी थे भक्त थे वो लोग पानी लेके आए, उन्होंने उनके हाथ धुलवाए, तो इत्तेफाक से गांधी जी का ध्यान कहीं और चला गया और वो हाथ धोते रहे पूरा लोटा पानी का खाली। गांधी जी को बहुत बाद में वो ध्यान में आया, वो पूरा दिन जो है एक दुख की मुद्रा में बैठे रहे। जब उनका अनुयायी ने पूछा गांधी जी आखिर क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि जिस काम को मैं एक थोड़े से पानी में अपने हाथ धो सकता था आज वो पूरा पानी दे सकता, कैसे भरपाई होगी इस पानी की। तो अब से 70-75-80 साल पहले गांधी जी ने हमें आइडिया दी थी कि पर्यावरण को बचाया जाए, जब इतनी दिक्कत नहीं, जब इतना वातावरण प्रदूषित नहीं था, लेकिन उस वक्त से हमारे नेता, हमारे जो बड़े लोग हैं, देश के लोग रहे हैं, संसार के लोग रहे हैं जिनका एक बड़ा नाम हुआ, उन लोगों ने भी एक बहुत बड़ी कोशिश की है कि पर्यावरण को बचाया जाए। दोस्तों अभी अगर हम किसी शहर में रहते हैं पानी की टोटी चल रही है तो हम निकल जाते हैं साइड, यही ध्यान नहीं देते कि पानी वेस्ट हो रहा, चलो मैं ही इसको आके बंद करूं, हमें उसकी कीमत का ही नहीं पता, बस दिल में एक बात रहती है चलो ये पानी चल रहा तो चलने दो, मैं तो 80-70-100 रुपये बिल देता हूँ, मेरा क्या जाता है, इसको तो खत्म होने दो। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये पानी जो वेस्ट हो रहा है नीचे नाली में जा रहा है ये कितने लोगों के काम आ सकते हैं, साफ पानी है पीने के लिए पानी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। वॉश बेसिन पर हम चले गए, आप भी तो कहते हैं कि 30 सेकंड आप तो कम से कम हाथ धोइए, लेकिन हमने टोटी खोल दी, साबुन हाथों पर लगा लिया, बात हम इधर करने लगे और पानी चल रहा है। तो ये नहीं देखा हमने कि वो 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट पानी चल रहा है, मुंह धो रहे हैं लेकिन वो टोटी चल रही है, उस चीज को बचाने की जरूरत है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, व्यापक लेवल पर ग्रीन एनर्जी सिस्टम जो शायद यूएनओ की साइड से कुछ स्टार्ट हुआ है कि ग्रीन एनर्जी सिस्टम को हम लोग बढ़ावा दें, जो भी हमारा वेस्टेज इकट्ठा होता है शहरों में उसको इकट्ठा करके एक उचित जगह पर, एक अच्छी जगह पर उसको रिसाइकिल, ऐसी जगह पहुंचाया जाए जहां वो रिसाइकिल हो और उससे फिर कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में आए, बिजली बनाने के काम में आए। और हम यहाँ कि ये भी सोचना पड़ेगा बिजली का हुआ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। मेरे घर में अगर 4 पंखे हैं तो जरूरी है 4 के 4 पंखे चलाएं, एक ही चलाऊँ जहाँ मैं बैठा हूँ 2 को बंद कर, लाइट 4 हैं तो एक को जलाऊँ जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ मैं रखूँ वहाँ इस्तेमाल करूँ। तो ये छोटी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनके ऊपर ध्यान देंगे तो शायद शायद एक बहुत बड़ा योगदान हमारा पर्यावरण को बचाने में हो सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा क्योंकि बड़े बड़े पर्यावरणविद यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर अनीश साहब हैं, आप अजय साहब हैं और अभी पंकज साहब थे, डॉक्टर अभिषेक साहब थे जो भी बोल के गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम कुछ सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, हो सकता है कुछ अच्छी बातें वो हमें बताएं जिसको हम अपने जीवन में उतार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, एक बार फिर खिदमत सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जमीन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब कि आपने किस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर बात की, पानी के वेस्टेज के बारे में आपने बात की, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा वाकई छोटे छोटे अगर प्रयास हैं
अगर हम उनको करें तो इसको हम बचा सकते हैं कि किस तरीके से हम पानी को जो है उसको वेस्टेज कर रहे हैं। तो हमने बल्कि अपने स्कूलों के माध्यम से जो अपने बच्चों को इतना जागरूक किया था कि वो जैसे समरसीबल कोई चला रहा है गांव में जानवरों को नहलाने के लिए या मोटरसाइकिल को धोने के लिए, तो उस पर भी हमारे बच्चों ने जो है जागरूक करना शुरू कर दिया था लोगों को। छोटी छोटी बातें जो हैं ये बहुत बड़ी बातें हो सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे विचार हमारे सामने रखे, हमारा मार्गदर्शन किया। इस बीच में मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर अनीस अहमद साहब जो प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो वो हमारे बीच में जो है हाजिर हो चुके हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और इसी बीच में जो है हमारे बीच में डॉक्टर सजाउद्दीन साहब हैं दिल्ली से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब मैं करना चाहूँगा हमारे बीच में उपस्थित, अभी हमारे बीच में जो हाजिर हुए हैं डॉक्टर अनीस साहब, कि अब वो मेहरबानी करके आए और हमारा जो है हमारी रहनुमाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर अनीस साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। बड़ी बड़ी ये बड़ी खुशी की बात है कि यामिन साहब ने और ये आज एक प्रोग्राम मुनाकिद किया है अवेयरनेस रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम। मेरा काम ज़्यादातर वाटर मैनेजमेंट पर है एंड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ द वाटर पर है, लेकिन वो तो केमिस्ट्री का पार्ट है या टेक्नोलॉजी का पार्ट है। यहाँ इस वक्त के बहुत सी बातें माशाल्लाह लोगों ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, अभी उस्मान साहब ने छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दिलाया। उससे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था अभिषेक स्वरूप साहब बोल रहे थे, मैं बहुत मोटी सी बात बस अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं, एक अवेयरनेस है यानी नॉलेज, और एक उस पर अमल करना है यानी हमारे एक्शंस हैं। तो हर आदमी ये सोचता है कि हाँ वाकई हमें नॉलेज होनी चाहिए और वाकई बग़ैर नॉलेज के हम कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज इस वेबिनार में हम ये तय करें कि हमें जो अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है एनवायरनमेंट की, बेसिकली होना ये चाहिए कि हमें सिस्टम को आइसोलेट करके नहीं सोचना है, बल्कि हमें ये सोचना है कि पहले कि ये इसका बनाने वाला कौन है और हमें किस पर्पज़ के लिए अल्लाह ने बनाया है। हमारे चाहे आप अल्लाह का नाम दें, चाहे ईश्वर का नाम दें, चाहे गॉड का नाम दें, जो भी हमारा बनाने वाला है इसने इस सारी सृष्टि को बनाया और इसको इस काबिल बनाया कि यहाँ रह सके और इस पर लाइफ हो सके, और हमें इस दुनिया में अपना नायब और अपना खलीफा बनाकर भेजा है ताकि हम इसको इस्तेमाल भी करें और इसको कंजर्व भी करें और इसकी केयर भी करें ताकि ये सिस्टम चलता रहे और हमारी ज़िंदगी पुरसकून तरीके से यहाँ पर चलती रहे। ऐसे तो ज़िंदगी गुजारना होता है, वो जेल में भी गुजरती है, वो तकलीफ़ों में भी गुजरती है, एक आराम से भी गुजरती है, लेकिन ये ज़िंदगी हमारी सुकून से गुजर जाए, आराम से गुजर जाए और हम में जो जिम्मेदारी दी है हम उसके लिए जवाब देने वाले हो जाएं कि वाकई हमने चीज़ों का सही और जुडिशियल इस्तेमाल किया है। क्योंकि चीज़ों का जैसे अभी उस्मान साहब कह रहे थे कि अगर हम इस्तेमाल सही ना करें बल्कि उसका मिस यूज़ करें, जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुलु वश्रबु वला तुसरिफु इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, खाओ और पियो लेकिन वेस्टेज मत करो, इसराफ मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला यानी हमारा बनाने वाला रब, हमारा पालने वाला, वो इस इसराफ को, इस वेस्टेज को पसंद नहीं करता। आज ये हो रहा है कि हम बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन अमल के एतबार से तकरीबन कूड़े हैं। एक मुझे एक वाक्य याद, वाक्य नहीं बल्कि कहानी कही है याद आई, वो एक टीचिंग के लिए कहानी भी हो सकती है। एक बादशाह ने अपने लोगों से कहा कि भाई आज ये तबीयत चाहती है कि हमने एक पॉन्ड बनवाया है, आप सब लोग इसमें एक लोटा दूध डाल दें।
तो हर आदमी ने सोचा कि सब तो दूध डाल ही रहे हैं, मैं अगर एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या होगा। तो चुनाचे सुबह को जब देखा तो उसमें दूध नहीं था बल्कि पानी ही पानी था। तो ये कहना कि मेरे इस करने से क्या होगा, इससे हमें बड़ी अच्छी सीख मिलती है कि नहीं, हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, हमारा एक हिस्सा है, और हमने अगर उसको हक अदा किया तो दो तरफ से हम गुनाहगार हैं। एक तरफ ये कि हमें उसका खुद भुगतना पड़ेगा उसका असर, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान ही में कहता है कि खुश्की और तरी पर जो कुछ फिसाद है वो लोगों का अपना किया हुआ है, उनके अपने ही अमलों का नतीजा है, उनके अपने ही कर्मों का नतीजा है। और आज आप देख ही रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी कही है, एक वायरस जो इस वक्त चल रहा है कोविड, हमें इस बात की सीख दिलाने के लिए है कि हम कुछ समझ जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले हो जाएं। और इतनी सी चीज़ जो हमें परेशान कर सकती है, जो होनी है, मौत के दिन आनी ही थी, लेकिन अब वायरस के माध्यम से हमें इस तरफ हमें तवज्जो दिलाई जा रही है कि हम कुछ समझ जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले आएं। और वाकई जो चीज़ें हमें दी गई हैं, उस आप ही अभी देखिए ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, अब एहसास होता है हमें कि कितनी ऑक्सीजन हम फ्रीली इस्तेमाल कर रहे थे और अब वो पैसों में भी नहीं मिल रही जब बीमार हो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ उस वक्त हो रही है। उस वक्त आदमी को एहसास हो रहा है कि ये नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं, यानी फ्री में हमें सांस लेने के लिए हवा दी, पानी हमें दिया, ज़िंदगी गुजारने के लिए सारी चीज़ें दी, हम खेती हम थोड़ी करते हैं, आप खुद सोचिए खेती में हमने क्या किया, बीज डाल दिया, लेकिन उसको बढ़ना बढ़ाना, उसको उससे पौधे निकालना, उससे दूसरे करना, वो हमारे बस में थोड़ा ही है, वो तो खुद एक सिस्टम है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और उसके तहत वो चीज़ें होती हैं और हमें उसका फल मिलता है फिर। लेकिन हम अकाउंटेबल हैं इस बात के लिए कि उस जिम्मेदारी को और उसकी सुरक्षा के लिए और उसकी हिफाजत के लिए और उसको सही इस्तेमाल के लिए हम क्या अपना योगदान उसमें कर रहे हैं, इसका हमें जवाब देना है अपने पैदा करने वाले को। और अगर हमने नहीं किया तो दुनिया में भी हमें परेशानी है और मरने के बाद भी हमें परेशानी होगी। अभी बीच में उस्मान साहब ने आमिर खान के एक कसत में जेते का भी जिक्र किया था, तो मैंने भी एक वीडियो अभी मैं कल देख रहा था, तो उस पर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा वो बात, यही बात जो मैंने आपको कहानी एक वाक्य कहानी बताई, इससे मिलती जुलती है कि एक आदमी था, उसने मालदार था, वो बीमार हुआ तो उसने डॉक्टर ने बताया भाई आप दूध पिया कीजिए, तो अब चूंकि उसने नौकर रख लिया कि भाई तुम मुझे दूध पिलाया करो, बना के दिया करो ताकि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो एक किलो दूध में से एक 1/4 यानी पाव भर वो खुद पीने लगा और 3 पाव इनको पिलाने लगा। इन्हें एहसास हुआ कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ है, दूध जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो लोगों ने भी इनसे कहा कि नहीं भाई आप दूध बढ़ाइए, तो इन्होंने कहा शायद गड़बड़ है, उसके लिए एक और नौकर रख लिया उसकी देखभाल के लिए, इन दोनों ने मिलके फिर 250-250 ग्राम पीना शुरू कर दिया, फिर प्रॉब्लम हुई तो एक तीसरा नौकर रख लिया, उन तीनों ने मिलके फिर 250-250 इनके हिस्से में 250 आया, फिर प्रॉब्लम हुई तो एक चौथा रख लिया और उन्होंने सारा दूध पीना शुरू कर दिया और इनको सिर्फ पानी पिलाना शुरू कर दिया। अब ये कैसे कहें कि साहब आप ये पानी है नहीं दूध है, तो वो बेचारा परेशान था, जब सो जाता था तो उसके मुंह पर बस मलाई लगा दिया करते थे, और सुबह में जब वो शिकायत करता है कि मुझे दूध नहीं पिलाया, कि नहीं साहब आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, असल तो यह है कि दूध आपने पिया था, मूंछों पर आपकी मलाई लगी हुई है। बहरहाल कहने का मकसद ये था आमिर खान का कि इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे बल्कि हमारे अंदर करप्शन आ गया है, और उस करप्शन को दूर सिर्फ अल्लाह का डर ही कर सकता है, अपने पैदा करने वाले का, अपने परमात्मा का, ईश्वर का डर ही हमें पैदा कर सकता है। तो ईश्वर के डर से ही हम सही काम कर सकते हैं, वरना लिखा तो रहता है हर जगह ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन वो आजकल कैमरे के लिए, CCTV के लिए। तो बहरहाल हमें अल्लाह को सामने रख करके इस सिस्टम को समझना भी है, उसका सही इस्तेमाल भी करना है ताकि इसके फायदे हम उठा सकें और मरने के बाद हम जवाब दे सकें कि नहीं हमने ऐ अल्लाह इसका सही इस्तेमाल किया था। और जब तक अल्लाह का डर नहीं होगा तब तक हम कोई काम सही नहीं कर सकते। जिस तरह आज हम कानून का डर की बात करते हैं, किसी डंडे के डर की बात करते हैं, कैमरे के डर की बात करते हैं, तो अगर हम अपने बनाने वाले से डरने वाले हो जाएंगे तो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाले हो जाएंगे, एंड देन वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस लाइफ एंड द हियर आफ्टर।
बस मैं इन्हीं बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि हम इल्म और अमल में जोड़ पैदा कर लें। नॉलेज के साथ हम ये भी तय करें कि अपनी ड्यूटीज को हमें पूरा करना है और अमल करना है, और अगर हमने कुछ कमी की तो उसका नुकसान हमें भी होगा और सबको होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनीस साहब जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में HOD हैं और बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, तो इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमारे बीच में सपन जैन जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। इरफान साहब है बोलते हैं, उनका भी स्वागत हम करते हैं। एक एडवोकेट हबीबुर रहमान साहब भी जुड़ चुके हैं मास्टर जी, जो कि LLM कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप उनका स्वागत करिए। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात हमें जो है आज डॉक्टर साहब ने बताई है कि हमें प्रकृति के रूप में जो भी नेमत मिली है उसका इस्तेमाल भी करें और उसकी देखभाल भी करें, यानी कि प्रकृति को हमने क्या दिया है, उसके लिए हमारा क्या योगदान है, इसके बारे में हम सोचें, और यानी कि हम अध्यात्मवाद के बारे में भी सोचें, ईश्वर से हम डरें, अल्लाह से हम डरें, और इल्म और अमल को इन्होंने कहा कि इनको आपस में जोड़ें, यानी कि नॉलेज और ड्यूटीज दोनों मिलकर काम करें, तो हम इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमारा आज इस जो गाइडेंस हमको दी है, मार्गदर्शन किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बीच में जो है हमारे जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं पंकज चतुर्वेदी जी, जो नेशनल बुक ट्रस्ट से हैं, और बीच में हमारे संजय राणा जी हैं जो ISRO से हैं, एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं, तो और हमारे बीच में आदरणीय BSA मैडम जी हैं, तो हम इन तीनों को जरूर सुनना चाहेंगे, और बीच में अगर वक्त मिला तो कुछ साथी हमारे बीच में, जैसे अतीकुर रहमान जी हैं हमारे बीच में, तो उनको भी हम सुनना चाहेंगे, वीरेंद्र अग्रवाल जी को भी थोड़ा सा समय। तो अभी मैं बीच में जो है अब सबसे पहले, क्योंकि बहुत ही कीमती विचार हमारे सामने रखने जा रहे हैं संजय राणा जी, जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वो तरुण भारत संघ से जुड़े हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में भी काम करते हैं। हम भाई जी जो हैं, हमारे भाई जी के नाम से पुकारते हैं, जलपुरुष राजेंद्र सिंह जी हैं, और उनके मार्गदर्शन में बहुत काम करते हैं, मुझे भी, मैं भी इन्हीं के थ्रू उनसे जुड़ा हूँ, और इन्होंने जो है प्रकृति के लिए जो काम किया है, पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम किया है, इनका एक संगठन है, उसके डायरेक्टर हैं एनवायरमेंट एंड सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक काम करते हैं, ये जमीन पर धरातल पर बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने लोगों को तो जागरूक किया ही किया, इन्होंने साथ में एक इतना जो धरातल पर मैं बता रहा हूँ, इतना शानदार काम किया है, इन्होंने स्कूलों से जोड़ दिया अपने आप को, यानी कि स्कूली बच्चों को, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हों, चाहे वो इंटर लेवल के हों बच्चे, उनमें जा जा करके उनको जागरूक किया, प्रोग्राम किया, और वहाँ पे इन्होंने कई प्रतियोगिताएं आयोजित की और उनको सम्मानित किया, और अब तक भी करते रहते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ संजय राणा जी को, जिन्होंने प्रकृति को संस्कारों से जोड़ा है, तो आप जरूर उन्हें सुनिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा, सभी को, आप समझेंगे वाकई हमने बहुत कुछ पाया है। तो मैं आदरणीय संजय राणा जी का स्वागत करते हुए और उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार से हम जो है इसमें जागरूक करें लोगों को, किस प्रकार से कार्य करें, हमारा मार्गदर्शन करें। संजय राणा जी, धन्यवाद यामिन जी। आज सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर खिदमत सोसाइटी के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है। यहाँ एक विचार आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस, ये दिवस तो 365 दिन होना चाहिए, एक ही दिन क्यों हो? दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो अक्षर ज्ञान में बेशक कम थे, लेकिन वो हमसे ज्यादा समझदार थे, और इसी का नतीजा है कि 1730 में अमृता देवी, जिन्होंने सबसे पहले चिपको आंदोलन चलाया और 350 महिलाओं के साथ पेड़ों से लिपट के अपना बलिदान दिया, और उसी परिपाटी को आगे चलाते हुए गोरा देवी और उसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट जी और उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो अब नहीं हैं, उनको श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं। चिपको आंदोलन की बात जहां तक है वो आज से 48 साल पहले है, और 48 साल पहले उन लोगों की सोच आप देखिए कितनी गजब की सोच थी, कि उन्होंने
उस जंगल को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया और संघर्ष किया। पर्यावरण की जहां तक बात है, विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत कार्यक्रम होते हैं, लोग बाग पेड़ पौधे भी लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसमें सांकेतिक ज्यादा है और गंभीरता कम है। किसी भी बीमारी के पीछे उसके कारणों को जानना आवश्यक है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो हमको साफ सुथरा वातावरण, स्वच्छ नदियां, स्वच्छ वायु दी, आखिरकार वो कहाँ खो गई, उसके पीछे के कारणों को हमें जानना पड़ेगा। और जब तक हम कारणों को नहीं जानेंगे, तब तक हम उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। और इसी थ्योरी पे हम लोग काम करते हैं, वो तो आपको यामीन जी ने बताया। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। मित्रों, हम लोगों ने जो 10वें नंबर का तत्व था, जो 10वें नंबर पे वस्तु आनी चाहिए या 10वें नंबर पे जो चीज आनी चाहिए, उसको हमने पहले पे ले दिया, जीरो हटा दी उसे। अब वो है क्या? पहले पे भूमि, दूसरे पे गगन, तीसरे पे वायु, चौथे पे अग्नि, नीर, ये वो पांच तत्व हैं जिनसे पूरा जीवन चलता है, पूरी सृष्टि चलती है, जिसको अगर हिंदू संस्कृति में कहें तो हम भगवान भी कह सकते हैं, और अगर इस्लाम संस्कृति में कहें तो वो उस हमारे पैगंबर साहब का जो प्रिय रंग हरा रहा है, उसका जनक है। लेकिन आज मेरा भगवान दूषित है, और उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो जीवन आता है। अगर ये पांच तत्व सुरक्षित हैं, पांचों तत्व स्वस्थ हैं, तो जीवन संभव है। इनमें से एक ही तत्व दूषित हुआ, दूषित तो पांचों के पांचों तत्व हैं, लेकिन एक ही तत्व की कमी पड़ी तो उसका नजारा हमने 2 महीने तक देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए मानव भागा फिरा है। जीवन के बाद जो आता है वो स्वास्थ्य आता है। अगर हमारा स्वास्थ्य उत्तम है तो ही हम कुछ कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के बाद संस्कार आता है, और संस्कार के बाद शिक्षा आती है, और शिक्षा के बाद धन आता है। लेकिन मानव ने विकास के को पाने के चक्कर में, अपना विकास करने के चक्कर में, इस छतम विकास के चक्कर में, इस 10वें नंबर की जीरो हटा के इसको प्रथम पे ले लिया। दिक्कत यहीं से शुरू हुई है, वरना हमारे बहुत साथी इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, और दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मित्रों, जब तक हम ये संस्कार नहीं सुधारेंगे, तब तक हमारी जैसे हमारी वाली पीढ़ी ने जिस प्रकार इस छदम विकास के लालच में इस प्रकृति का सर्वनाश किया है, आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार सर्वनाश करती चलेगी। और ये संस्कार वैसे तो परिवारों से आने चाहिए, लेकिन परिवार है उनकी जिम्मेदारी, जो भी कुछ होगी वो तो जो निभा रहे हैं या निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम इस चीज को सुधार सकते हैं। और यही हमारा मूल मंत्र है कि हम यूथ को ये एहसास दिलाएं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ उचित नहीं है। हमारे बगल में एक छोटा सा देश है भूटान, 8 लाख की आबादी वाला है, अगर मैं गलत ना हूं तो कोरोना का इतना कहर नहीं है, क्योंकि वहां 70% प्रकृति है। उन्होंने ये छदम विकास ग्रहण नहीं किया। एक और छोटा सा देश है न्यूजीलैंड, वो न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने नदियों को मानव का दर्जा दिया है,
हम लोग तो नदियों को माँ कहते हैं, वो कहते शब्दों में कहते हैं, लेकिन दर्जा तो मेहरी का दिया हुआ है। मेहरी आप समझते होंगे नौकरानी का। तो न्यूजीलैंड में अगस्त 2020 के बाद कोई कोरोना का केस नहीं है, क्योंकि वहां प्रकृति सर्वोपरि। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारा देश प्रकृति आधारित देश था, वो आज कंक्रीट के जंगलों में बदलता जा रहा है। और प्रकृति के नाम पे अब 5 तारीख कल विश्व पर्यावरण दिवस है, परसों बहुत इस तरीके के फोटो मिलेंगे कि एक पेड़ पे 20-20 लोग फोटो खिंचवाए हुए मिलेंगे, लेकिन वो उसमें पानी भी आना है या नहीं आना है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। मित्रों, उस प्रकृति को किसी पैकेज की जरूरत नहीं है, इस प्रकृति को आवश्यकता है प्रेम की, मानव के प्रेम की। विकास इसको नहीं कहते हैं, विकास का अर्थ है जहां मानव भी विकास करे, जहां प्रकृति भी विकास करे, जहां जीव जंतु भी विकास करे, इसको विकास कहते हैं। लेकिन विकास की जो डेफिनेशन हमने बनाई है वो डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन मालिक की होती है। मानव को जो बनाया गया था वो प्रकृति के संरक्षण के लिए बनाया गया था, प्रकृति के को संवारने के लिए बनाया गया था। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, मानवीय भाषा में कहूं, तो हमें प्रकृति का नाई बनाया गया था, लेकिन हम गलती से उसके मालिक बनते जा रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, बन तो नहीं पाएंगे। ये तो पूर्ण विश्वास है कि प्रकृति अपना मालिक तो नहीं बनने देगी, लेकिन हमने कोशिश की है मालिक बनने की। और मालिक क्या करता है? मालिक शोषण करता है, पोषण नहीं करता। आप कभी भी कहीं भी उठा के देख लीजिए, जहां मालिक होगा वो शोषण करेगा, पोषण नहीं करेगा। इसके पीछे दूसरा एक कारण और है, जहां तक हम समझते हैं कि हमारी जो आधुनिक शिक्षा है वो हमें एक्सटॉर्शन सिखाती है, पोषण हमें कंजर्वेशन नहीं सिखाती। माफ करना अगर कोई विद्वान इस बात से सहमत नहीं है तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप जितनी भी इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है आज के समय में, वो इस प्रकृति से लेने की सिखाई जा रही है, प्रकृति को देने की नहीं सिखाई जा रही। अभी आपने नया मुद्दा सुना होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में वहां एक 2,15,000 पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है हीरो के नाम पे। ये क्या है? ये शोषण ही तो है। तो मुद्दे तो बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं। अभी जैसे यामीन जी ने बताया कि जलपुरुष जी के साथ उत्तराखंड में था कुछ दिन पहले, 26 मार्च के आसपास, वहां देख के इतना दुख हुआ कि 60% हमारी जो वहां के खेती हर लोग थे वो अपना खेती को से पलायन कर चुके हैं। वाटर बॉडीज सूखती जा रही हैं, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। क्या हम यही विकास के नाम पे देना चाहते हैं अगली पीढ़ी को? ये हमें सोचना पड़ेगा और ये सवाल गंभीर है। मित्रों, अब इसके जहां तक सॉल्यूशन की बात है, सॉल्यूशन तो संस्कार से ही बनेंगे, वरना हम जैसे लोग, हम जैसी पीढ़ी फिर से बर्बाद करेगी और लालच में बर्बाद करेगी। इस प्रकृति का जो आज हाल है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो सरकारों का लालच और समाज की उदासीनता। जब मैं सरकारों शब्द यूज करता हूं तो ग्राम पंचायत से लेके और ऊपर की सरकारों तक का की बात आती है। जरा आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, हमारे यहाँ इतने तालाब हुआ करते थे, उन तालाबों को किसने सर्वनाश किया? लालच ने सर्वनाश किया।
उसके बाद हमारी नदियों से जो शोषण हुआ वो किसने किया, वो भी सरकारों ने किया, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा वो समाज की उदासीनता रही कि समाज में सवाल उठाने बंद कर दिए। एक वो पंजाबी में आता है मन्नू की तन्नू की, समाज ने ये लिया है। तो मित्रों, अगर हमें अगली पीढ़ी को जवाब देना है तो सवाल तो उठाने पड़ेंगे, और हमें विकास पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि विकास क्या इन कोठियों में है या विकास प्रकृति में है। इस विकास की जो डेफिनेशन है वो तो बता दी है, कितना भी विकास कर ले प्रकृति से ऊपर नहीं जा सकता। अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। हम लोग जितने भी प्रकृति से जुड़े हुए कार्य अगर करें तो उसमें हमें अगली पीढ़ी को इन्वॉल्व करना होगा, जोड़ना होगा, उनको बताना होगा कि हम सब लोग, हमारी जो पीढ़ी है, हम सब लोग वो लोग हैं जो 10-15 साल की तक आगे को देखते हैं, लेकिन उनको जो देखना है उनको 40 साल तक देखना है, उनको 50 साल की योजना बनानी पड़ेगी तभी वो आगे चल सकते हैं। उनको ये एहसास दिलाना होगा। किताबों से कभी संस्कार नहीं आते, माफ करना, सभी टीचर्स लोग जुड़े हुए हैं, इसमें अधिकारी गण भी हैं, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि किताबों से संस्कार नहीं आते, संस्कार सिखाने से आते हैं, संस्कार देने से आते हैं। मैं मुझे मौका मिला एक बार यामीन जी के विद्यालय में जाके देखने का, गजब के संस्कार दिए इन्होंने उन बच्चों को कि प्रकृति के साथ कैसे रहा जाता है। वो एक अलग मुद्दा है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, वो अभी उनके इतने बस में नहीं है कि वो उन सबको सीख के और धरातल पे ला सके, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनके अंदर बीज डाले गए हैं, जो बीज अंकुरित होंगे जब वो अपने यौवन पे होंगे, तो वो जरूर प्रकृति प्रेमी बनेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि शायद मैंने कुछ ज्यादा समय ले दिया, लेकिन इसके साथ मैं घटना और जोड़ दूं कि ये छदम विकास अभी नहीं आया। एक घटना है 1936 की, जब सबसे पहले हमारी माँ गंगा में प्रदूषित पानी मिलने की शुरुआत हुई थी। काशी के अंदर विकास योजना लाई गई अंग्रेजों के द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उसका विरोध किया, लेकिन जब उनको बताया गया कि पंडित जी आप विरोध कर लीजिए, ये जो इतना धन है ये वापस गवर्नमेंट को चला जाएगा, विकास नहीं होगा, हम सिर्फ एक नाला ही तो डाल रहे हैं गंगा में, जो ड्रेनेज है उससे क्या फर्क पड़ता है, तो उन्हीं के मित्रों ने पंडित जी को कहा कि पंडित जी नहीं नहीं विकास हो जाने दीजिए, ये मानव प्रवृत्ति है विकास के लोभ में जीने की, लेकिन इसको 90 तक हमारे बड़े बुजुर्गों ने खींचा और इसको पोषा भी, लेकिन उसके बाद जिस गति से हम लोग विकास के लालच में घुसे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि शायद इंसान वापस लौटे। कोई प्राकृतिक घटना ही अगर लौटा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस मंच को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आपसे मेरा यही निवेदन है और हमारी जहां तक आप मदद चाहते हैं हम आपकी करने को तैयार हैं कि बच्चों को जितना संस्कारित किया जाए उतना ही काम चलेगा, वरना माफ करना 20 साल के बाद तो रोजी रोटी में घुस जाता है आदमी।
उसके बाद फिर उसको वो संस्कार याद नहीं रहते हैं, उसको सिर्फ पेट दिखाई देता है कि मुझे किस तरीके से अपना जीवन चलाना है, वो प्रकृति का शोषण करके चलाना है, पेड़ काट के चलाना है, या वो जमीन को एनक्रोचमेंट करके चलाना है। हकीकत तो यही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संजय राणा जी, आपने किस प्रकार से जो है आपने गागर में सागर भर दिया कि संस्कारों की जरूरत है वाकई। और ज़्यादातर लोग सांकेतिक ज़्यादा करते हैं, गंभीरता से कम करते हैं, और शिक्षा के माध्यम से ही सुधार हो सकता है। और हमें यूथ को जागरूक करने की ज़रूरत है, और प्रकृति को मानव प्रेम की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी आपने बताया कि समाज की उदासीनता भी रही पर्यावरण को जो है असंतुलित करने में, और हमें अगली पीढ़ी के लिए विकास के मायने समझने होंगे कि विकास प्रकृति में ही है सचमुच का विकास। बहुत अच्छी बात, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हमारी मार्गदर्शिका हैं और हमें मोटिवेट करती हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करूँगा। लेकिन उनसे पहले चैट बॉक्स में एक बहुत ही अच्छी कविता सरूरपुर कला नंबर एक से रीना रानी जी ने हमें लिखी है, मैं चाहूँगा कि वो एक मिनट के लिए अपना माइक जो है अनम्यूट करके खुद ही सुना दें। रीना रानी जी जी। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा रहा ये वेबिनार, क्योंकि मैं यामिन सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे इससे जोड़ा और मुझे इतने अच्छे विचार सुनने के मौका मिला। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आइंदा से हम और ज्यादा लोगों को अपने में जोड़ेंगे और प्रकृति के प्रति जो है संवेदनशील रहेंगे। और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब और अधिक प्रयास करेंगे सर। और मैं अपनी छोटी सी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। आओ बच्चों, हम सब मिलकर इतने पेड़ लगाएंगे धरती को हरा बनाएंगे, हरी भरी धरती से हम जीवन स्वच्छ बनाएंगे, प्रकृति को स्वच्छ बनाकर फल फूल और भरपूर ऑक्सीजन पाएंगे। प्रकृति के महत्व को जानो, हरियाली के रंग को पहचानो, प्रदूषण को दूर भगाकर वातावरण को शुद्ध बना लो। इसीलिए कहते हैं बच्चों, साधा जीवन उच्च विचार, प्रकृति का रखो ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छे, आपको शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिन्होंने हमें सभी को मोटिवेट किया और हमेशा हमें अपना आशीर्वाद दिया अच्छे कार्य करने के लिए, हमें संस्कार दिए, हमें बच्चों की तरह समझा, अपने भाई बहनों की तरह समझा। और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कि किचन गार्डन तैयार कराना और औषधि वाटिका तैयार कराना, जिससे जो है हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों और हमें बिल्कुल ताज़ी और जो है बिना मिलावट की सब्जी हमारे बच्चों को मिले। और इसके साथ ही उन्होंने हमेशा हमें जब भी ज़रूरत पड़ी तो हमारा सहयोग किया हर प्रकार से। और उनका जो उद्देश्य रहा, वाकई उनका ध्येय रहा कि एक शैक्षिक गुणवत्ता की तरफ हम जो है अपने जो हमारा जो सिस्टम है वो आगे बढ़े। और सभी अध्यापकों को समय समय पर जो है वो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हमेशा क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जो है प्रेरित करती रहती हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ जो है काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आया तो वाकई उन्हें मेरा बहुत एहसास हुआ कि, और मुझे भी एहसास हुआ कि वाकई मैं जो है एक बहुत अच्छी मोटिवेटर, बहुत अच्छी प्रेरक से मैं जो है वाकई जुदा होकर जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो मुझे ऑनलाइन भी और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है फ़ोन पर जो है मुझे अपना आशीर्वाद देती है। और आज मेरे एक निवेदन पर वो इतना कीमती समय दिया और अब तक जुड़ी हुई हैं, और शायद इसलिए क्योंकि वो प्रकृति से प्रेम करती हैं और एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहती हैं, शैक्षिक गुणवत्ता को आगे बढ़ाना चाहती हैं और पर्यावरण के प्रति काफ़ी गंभीर हैं। तो मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपना मार्गदर्शन, अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय गीता वर्मा जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद शामली।
आदरणीय बीएसए मैडम सुन पा रही हैं? आदरणीय बीएसए मैडम सुन पा रही हैं? हेलो जी 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 आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। यामीन भाई मैं फिर पुनः शायद पहले मेरी बात आप लोगों तक ना पहुंची हो, आप सभी को नमस्कार करती हूं और आपके प्रयास को भी नमन करती हूं, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। जो जरा भी जागरूक है व्यक्ति या नागरिक हिंदुस्तान का, तो सबको समझ में आज ये आता है कि इससे ज्वलंत और इससे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए सोच के लिए नहीं हो सकता। अभी हम लोग जो कोविड से गुजर रहे थे, तो अभी विद्वजनों ने सभी ने बताया, उस समय हम लोगों ने ये महसूस किया कि सारा रुतबा सारा पैसा किसी भी काम नहीं आया, केवल लोग ऑक्सीजन ढूंढते रह गए। तो इससे बड़ा ये समय जिंदगी में हमें तो लगता है कि इस पीढ़ी के सामने तो नहीं आएगा ये समझने के लिए कि ऑक्सीजन या पर्यावरण, ये जो इकोसिस्टम पे बात हो रही है, इससे महत्वपूर्ण कोई मुद्दा है। अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो आप कितने पैसे थल्ले में भरे रखे रहिए, वो नहीं कहीं मिलती, सांस के लिए दिक्कत होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, आप लोग तो टेक्निकली यहाँ बहुत सारे विद्वान हैं जिन्हें मैंने सुना है कि वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं इस बात पे। हम लोग इस तरह से तो, जैसे मैं अपनी बात करूं, सीधे सीधे हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोगों का जो दायित्व है नागरिक के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में हिंदुस्तान के, वो सबसे बड़ा दायित्व यही है कि हम दूसरों पे उससे चर्चा करें। और अगर हमारी चर्चा से कुछ भी दिमाग साफ हो पाए, कुछ भी लोग इस बात के प्रति जागरूक हो पाए, तो ये एक बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी का किसी भी नागरिक का निर्वहन हो सकता है, सोच सकता है कि मैंने अपने हिस्से का थोड़ा सा काम तो किया। देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं किताबों में तो हिंदुस्तान को लोग संसार में नदियों का देश कहते हैं, पेड़ों का देश कहते हैं, और कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत हरा भरा है। लेकिन हम लोगों ने, जैसे अभी सब लोग कह भी रहे थे मुझसे पहले, हम लोगों ने जो है बहुत सारी दिक्कतें स्वतः ही कर दी हैं, खराब कर दी हैं व्यवस्थाएं जो हैं। हम लोग जो है भविष्य के प्रति बिल्कुल भी सोच अभी नहीं रख रहे हैं, तात्कालिक रूप से आज के समय को देख रहे हैं, आज के नुकसान को फायदे को देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं इस समय में, जो कि हमारी इतनी बड़ी गलती बाद में साबित होगी कि हमारी पीढ़ियां भी हमें माफ नहीं करेंगी। अब मौसम देखिए आम का आ रहा है, हम लोग मीठे मीठे आम सब खाते हैं, आनंदित होते हैं, और हिंदुस्तान का हर नागरिक कहता है इतने अच्छे आम संसार में और किसी देश में होते होंगे, है ऐसे देश भी जहाँ पर आम होता है, लेकिन इतना अच्छा आम कहीं नहीं होता। अब जब आम खाएं तो याद करते हैं कि ये बाबा जी ने पेड़ लगाया था, ये दादा पेड़ लगाया था, ये नाना जी लगाया था, ये सब हम सोचते हैं उस समय कभी कभी। तो उनकी किए हुए कामों के जितने फल हैं वो सब हम खा रहे हैं और सोच भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि जो वो हम लोगों के लिए इतना अच्छा वातावरण, इस तरह की सुविधाएं, इस तरह के सारी चीजें छोड़ के गए हैं, हम लोगों को भी तो अपनी पीढ़ी के लिए वो कर लेना चाहिए, नहीं तो कल हम क्या जवाब देंगे। हो सकता है मेरे से आपसे कोई जवाब पूछने वाला डायरेक्ट ना हो, लेकिन ये तो गवाह इतिहास रहता है कि पीढ़ियां पूछती हैं, उनके जवाब समाज देता है, आप और मैं भले ही न दें। तो इस तरह का कार्य किसी भी जिम्मेदार नागरिक के हिस्से में नहीं आता कि हम अपनी पीढ़ियों की बर्बादी के लिए समय तैयार करें। देखिए, ये है कि इस समय कोविड में, मैं सहारनपुर में इधर रहती हूँ, एक दिन छुट्टी में आई हुई थी, पर्यावरण का इतना बड़ा जो हमने खराब किया है उसका नजारा देखने को मिलता है। बहुत जब समय ऐसा है कि गाड़ियां चल रही हैं, सब चीजें एक उसमें फ्लो में चल रही हैं, तब इधर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, सहारनपुर से नहीं कभी भी दिखाई देती हैं। लेकिन लॉकडाउन में जैसे ही
ये सारी चीजें रुकती हैं और होता है, तो बारिश के बाद एकदम छत पे चढ़ने से भी वो पहाड़ियां, सुंदर सी पहाड़ियां जिन्हें देख के एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो दिखाई देने लगती हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमने इस हवा के रास्ते में, इन चीजों के रास्ते में बाधाएं पैदा करती हैं, वो हमारे आनंद को भी लूट रही हैं, हमारे जीवन में खराबियां भी पैदा कर रही हैं, और नुकसान उनके इतने हैं जाने अनजाने कि हम उनको अभी उतना महसूस अभी भी नहीं कर पा रहे हैं जो उनके रिजल्ट्स होंगे हमारे लिए। देखिए हर कोई, आप लोग इतने अच्छे अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसे जो मैंने सभी वक्ताओं को सुना है, अपनी अपनी जगहों पे आप इतना सटीक एकदम और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो यही जिम्मेदारी है, यही जिम्मेदारी है, किसी से डर के नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कि हमें ईश्वर ने जन्म दिया है धरती पे, तो कुछ जिम्मेदारी के साथ हमें भेजा है। जैसे हम अपने परिवार में जिम्मेदारियां निभाते हैं अपने परिवारजनों के प्रति, तो समाज के प्रति तो उससे भी बड़ा बैठता है, क्योंकि समाज में जब हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, इस लायक बनाया कि लोग आपको पहचाने, देखिए आपके कितनी बड़ी बड़ी पहचान है जो मैं अभी सुन रही थी, तो उसको निभाने का जिम्मा भी हमें ले लेना चाहिए अपनी तरफ से, और ईश्वर मदद इसमें करता है बिल्कुल, अगर आप सही मन से सही दिशा में काम करते हैं, बिना लालच के काम करते हैं, समाज को कुछ देने का काम करते हैं, तो सही मायने में आपको बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। तो मैं तो यही कहूंगी, हर कोई इकाई के रूप में, हर मनुष्य, हर नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, अगर ये भी जिम्मेदारी उठा ले कि मुझे दूसरे लोगों को इस मामले में जागरूक करना है, क्योंकि ये हाथ से हाथ मिलाकर एक कड़ी बनती है, एक श्रृंखला बनती है, कोई अकेला इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तो अगर हम दूसरों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी उठा लें, तो ये बहुत बड़ी मुहिम बन जाती है, और इसके रिजल्ट भी एक लॉन्ग टाइम में जरूर आते हैं। आपको बताऊं, मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि यदि वैसा ही एक लेख था कि यदि आपके मोहल्ले में 10 पेड़ लगे हों आपके घर के आसपास और आप वहां रह रहे हैं, तो लगभग थोड़े ही समय में इस तरह का वातावरण आपको मिलेगा कि कई साल की आयु आपकी बढ़ जाती है। वो तो 7 साल लिख रहे थे, मैं नहीं कहती उसे टेक्निकली कुछ ठीक था या गलत था, बट उसके पीछे एक सोच तो है जो समझ में आती है कि पेड़ों के होने से ऑक्सीजन मिलती है, पर्यावरण शुद्ध होता है, आपके लिए एक नॉर्मल और स्वच्छ हवा मिलती है, फिर अच्छी तरह काम करते हैं तो आयु से तो निश्चित रूप से बढ़ती होगी। अभी अभी एक जगह मैंने पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में एक SDM साहब हैं, हसनपुर कोई तहसील है वहाँ, उन्होंने बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है, लोग कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे नौकरियों में होते हुए भी, वो किसी की का प्रमाण पत्र जब जारी करते हैं, तहसील से जो प्रमाण पत्र जारी होते हैं, तो वो उनसे प्रमाण पत्र ये लेते हैं कि फोटो के साथ आओ, 3 पेड़ 5 पेड़ लगा के आओ, तब तुम्हारा प्रमाण पत्र तुम्हारे हाथ में दूंगा। और बहुत बड़ा लेख कई बार मैं पढ़ चुकी उनका, बहुत बड़ा रिजल्ट उनका आ रहा है कि वहां पर लोग इस मुहिम को पसंद भी बहुत कर रहे हैं, और पहले पेड़ लगा के आते हैं तब उनसे प्रमाण पत्र मांगते हैं। तो लोगों के अपने अपने तरीके हैं, छोटी छोटे प्रयास हैं जो मिलके एक बड़ी नदी की तरह, जैसे अभी गंगा माता का जिक्र हो रहा था, उस तरह के एक प्रयास फलीभूत होते हैं कि हम लॉन्ग टाइम में कुछ अच्छा रिजल्ट ला पाए। अब ऐसे ऐसे वेबिनार आयोजित करने का बहुत बड़ा प्रयास है, यामिन जी तो मेरे पास जिले में रहे हैं, ये ऐसे ऐसे प्रयास करते रहते हैं, तो इसके लिए तो यामिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं, और आप जितने भी पर्यावरणविद इस वेबिनार में, इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं, सबको नमन करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं सब इसी तरह से लगे रहेंगे, और सब इस फील्ड में सब छोटे हैं, हर कोई जिसके पास जो भी सार्थक विचार है वो दूसरों को बताए और दूसरों की मदद करे इस काम में, तो मैं समझती हूँ ये एक मुहिम काम आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिले, और भविष्य में ऐसे पटल पे ऐसे लोग जुड़ते रहेंगे और अधिक संख्या में जुड़ेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने प्रेरणादायक विचारों से हमें हमारा मार्गदर्शन किया। वाकई बहुत अच्छी बात की आपने कि हम जो हमारे बुजुर्गों ने जो बोए थे आज हम उन्हीं का जो है उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें छोड़कर गए थे और जो अच्छा वातावरण हमें दिया था हम उसी को संभाल कर रख लें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि हमें आपने ये भी सिखाया कि किसी को दिखाने के नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए हमें काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें जो है इतना प्रेरित किया। और इसी के साथ मैं धन्यवाद जो है करना चाहता हूँ डॉक्टर संजीव राय जी का, वो हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन उनको काठमांडू यूनिवर्सिटी में वेबिनार में जुड़ना था, अभिषेक जी को जुड़ना था वो चले गए हैं, तो राजीव पटेल जी जो है उनको भी कहीं और जुड़ना था, उस्मान जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर साहब अनीस साहब हमारे बीच में हैं और बी एस पी साहब ने इतना अच्छा हमको प्रेरित किया। अब मैं अंत में जो है पंकज चतुर्वेदी जी को कि जो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरित और मार्गदर्शक के रूप में जो है किताबें लिखी हैं पर्यावरण पर आधारित, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपने प्रेरणादायक विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम वातावरण को जो है शुद्ध बना सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। और इसी बीच में संजय राणा जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे विचार हमारे बीच में प्रस्तुत किए। पंकज चतुर्वेदी जी धन्यवाद। यामीन जी, मुझको ऐसा लगा कि आज हम लोग रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बहाली पे बातचीत करेंगे। असल में समझने का जो मूल मसला है वो ये है कि क्या पर्यावरण और इकोसिस्टम क्या एक ही है। असल समस्या है कि हम सभी लोग पर्यावरण को हिस्सों में देखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं और उसके तंत्र को नहीं समझते हैं। एक साहब ने बोला आप पेड़ लगाओ, लेकिन क्या अकेले पेड़ एक तंत्र है क्या। मैं एक घटना आपको सुनाना चाहूंगा। जो गांव पिछले 20 साल में कस्बे बने या वो शहर जो पिछले 30 साल में शहर बने कस्बों से, उन सभी में आमतौर पर आता है अरे सांप निकल आया। इसी मौसम में हल्की सी गर्मी हुई और पानी बरसा और सांप निकल आया और एक सांप के पीछे 100-100 लोग लठ लेके दौड़ते हैं कि इसको मार दिया जाए। अभी उसके थोड़े 1.5 महीने बाद में एक नाग पंचमी आएगी तो लोग नाग को ढूंढेंगे और ये जानते हुए कि नाग दूध नहीं पीता है, सांप के कान नहीं होते हैं, वो बीन नहीं सुनता है, उसके बाद भी उसको तंडोले मंडोले करके उसके मुंह में कुमकुम घुसड़ेंगे और दूध पहलाएंगे जो कई बार उसके श्वास तंत्र में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मैं सांप से बात कर रहा था। सांप को हम लोगों ने मान लिया बहुत खतरनाक है और सांप जब मिले तो हमें लगा कि ये हमारे घर में घुस आया, लेकिन हकीकत यह है कि जो सांप का प्राकृतिक आवास था उसमें हमने अपना घर बना लिया। सांप की प्रकृति थी पीढ़ियों से कि वो बारिश होती तो इस तरफ आता था जाता था, अचानक आपका घर दिख गया उसे, उसे नहीं मालूम है कि ये पक्का घर है, इसके अंदर इंसान रहता है, वो उसके आसपास आया और हमने उसको पीट दिया। अब एक बात याद करें कि सांप जो है वास्तव में संकेतक प्रजाति का जानवर है और परिस्थिति के साथ में आबो हवा के साथ में जब भी कोई बदलाव होता है तो सांप सबसे पहले उसको सूंघ लेता है और वो महसूस कर लेता है उस संकट को। अब सांप के साथ क्या हुआ, सांप असल में खेतों में रहता था, स्पेशली कोबरा और इस प्रजाति के सांप, उसका प्यारा सा भोजन होता था मेंढक और चूहे। सन 60 के आसपास स्कूलों में जब विज्ञान की पढ़ाई का जोर चला तो डिसेक्शन के नाम पर लाखों मेंढक पकड़े गए। जैसे ही तालाबों में दलदलों में मेंढक कम हुए, उस मेंढक का भोजन यानी तितली पतंगे छोटे कीट
ताकतवर हो गए, वो फसलों को नुकसान पहुंचाने लगे। उस फसल को नुकसान को बचाने के लिए हमने कीटनाशक डालना शुरू कर दिया। एक सांप पर संकट आया, सांप की संख्या कम होती चली गई, मेंढक की संख्या कम होती चली गई, चूहा जमीन में बहुत गहराई में रहता है इसलिए चूहा खिसक लिया वहां से, और वो खेत से खिसक के आपके खलिहान में पहुंच गया, वो गोडाउन में पहुंच गया, और अब वो आपका नुकसान कर रहा है। ये एक इकोसिस्टम का उदाहरण है। हम लोग असल में जानकारियों को और विज्ञान को अधूरे और आधे तथ्यों के साथ में प्रस्तुत करते हैं, और इसलिए हमारी बात में दम नहीं रहता है। क्योंकि मैं अध्यक्ष आसंदी पर, इसलिए बताना चाहूंगा कि शायद संजय राणा जी बोल रहे थे कि 2,65,000 पेड़ काटे जा रहे हैं हीरे के लिए छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में नहीं है वो, छतरपुर जिले में है और बक्सवा में, और अभी भी उसका कोई ग्राउंड परिणाम रिपोर्ट नहीं है कि किसने बोला कि 2,65,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं मूल रूप से उसी जिले का हूं, किसी दस्तावेज में नहीं लिखा है। ये कौआ कान ले गया वाली स्टोरी भी चलती रहती है। अभी बड़ी तरीके से लोग पेड़ लगाओ ऑक्सीजन बनेगी, नहीं तो कोरोना में ऑक्सीजन की कमी आई थी। ये सब अलग अलग चीजें हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन हर गैस की मात्रा बिल्कुल फिक्स है, ना वो कम होती है ना ज्यादा होती है। हमारे परिवेश में भी जो ऑक्सीजन है उसका कोरोना के लंग्स इंफेक्शन के लिए ऑक्सीजन से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन हकीकत यह है कि जंगल से इस कोरोना का जरूर वास्ता था। असल में पारंपरिक जंगल एक पिरामिड की तरह होते हैं। सबसे ऊपर निहायत घने जंगल जहां पर सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती है, वहां पर 80 से 200 फीट ऊंचे पेड़ हुआ करते हैं, और उन जंगलों में निशाचर यानी बैट्स यानी चमगादड़ सरीखे प्राणी रहते हैं। उन जंगलों की जो बाहरी सीमा रेखा है उसमें खूंखार हिंसक जानवर जिनको शेर, बाघ, चेतुआ, तेंदुआ ये रहा करते थे। उससे ठीक बाहर पेड़ों का जंगल जहां पर पेड़ भी हैं और झाड़ियां भी हैं, वो स्थान हुआ करता था हिरण सरीखे जानवरों का। शेर और बाघ को भूख लगेगी तो वो हिरण वाले सेक्शन में आएगा, खाएगा और चला जाएगा। उसके बाद श्रब्स के जंगल जिसके अंदर भेड़िया, लोमड़ी सरीखे जानवर, जहां पर गिद्ध और चील सरीखे पक्षी, जो खाना खाया था हिंसक जानवरों ने, जो बचा हुआ हिस्सा था उसको वो साफ करते, और उसके बाद में गोचर की जमीन और उसके बाद में बस्ती। हम लोगों ने बीच के सभी पेड़ों को काटा, घने जंगलों को नष्ट किया, उस तरीके से जो घने जंगल में निशाचर किस्म के चमगादड़ थे वो इंसानों की बस्ती तक आए। उनमें पलने वाले जो कुछ वायरस थे वो धीरे धीरे इतने यूज टू हो गए कि इंसान के डीएनए के को इंटरप्ट करने के काबिल हो गए, और उसी से सार्स आया। देखिए, एक बहुत स्पष्ट बांध के जान की है कि जब हम रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम अकेले पेड़ लगाने की बात, हम अकेले तालाब को बचाने की बात, हम अकेले नदी की बात नहीं कर सकते। हमको बहुत स्पष्ट रूप से सोचना होगा कि नदी पानी के लिए है, नदी अविरल बहने के लिए है, नदी आसपास के परिवेश की जमीन में नमी बना के रखने के लिए है। लेकिन मेरी आपकी सबकी जो आज की प्राथमिकता है, नदी रेत के लिए है। क्या आप में से कोई है जो बोले कि रेत का खनन ना हो, इसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं रेत और सीमेंट के बने मकान में ना रहूं? नहीं है। पूरे दिल्ली एनसीआर में ईंट भट्टों पर रोक लगी हुई है।
लेकिन आपके ही बड़ौद के आसपास अभी भी भट्टे चल रहे हैं, बड़े बड़े। हम सभी लोग बात तो करना पसंद करते हैं, लेकिन हम जमीन पर क्या करें उस पर बात नहीं कर पाते। विकास, बहुत सारे विकास की बात हुई, विकास जान के चलिए, विकास वैश्वीकरण के बाद आने वाली जो पूंजीपति व्यवस्था थी उसकी एक नई अवधारणा है। हिंदुस्तान में विकास नहीं हुआ करता था, हिंदुस्तान में संवर्धन हुआ करता था। संवर्धन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिससे जुड़े हुए हर व्यक्ति हर तंत्र का समान रूप से उच्चारण हो, यानी वो ऊपर आए। दुर्भाग्य यह है, हमारे एक सर थे जो काफी धर्म में भरोसा रखते हैं, और उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने, कायनात ने इन सभी जीव जंतुओं को बनाया, लेकिन परवरदिगार ने इस धरती पर रहने का, जीने का हक हाथी को भी उतना ही दिया जितना चींटी को दिया, चिड़िया को भी उतना ही दिया जितना कि खरगोश को, और इंसान को भी। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जो ये प्रकृति है आपकी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन आपके लोभ को पूरा नहीं कर सकती है। और इसी लोभ के पूरा करने के चक्कर में जो इस धरती का प्राणी है इंसान, उसने सोचा कि ही इज द किंग ऑफ, ही इज अ होल सोल ऑनर ऑफ इकोसिस्टम, वो इसका अधिक से अधिक शोषण करना चाहता है। हमारे आपके सबके बीच में से 16 लेन के हाईवे निकल रहे हैं, हम सब लोग बहुत खुश हैं हाईवे निकल रहे हैं। उन हाईवे में कितने पेड़ कट रहे हैं, उस हाईवे को बनाने के लिए सीमेंट आ रही है उससे कितना खनन हो रहा है। और सबसे बड़ा मसला ये है, क्या वो हाईवे हमारे लिए है, हमको उसकी जरूरत है कि केवल इसके लिए जरूरत है? चौड़े रास्ते बने, तेज गति की गाड़ी बने, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बके, उससे गाड़ी की कंपनियों को फायदा हो और पेट्रोल को फायदा हो। जरा आप अपने गांव में 25 घर जिनके पास मोटरसाइकिल लगाई, उनसे खटखटा के पूछिए क्या उनके लिए वो जरूरी थी? रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम एक बार फिर से धर्म पे आते हैं। मैं अभी जब कभी सुबह घूमने जाता हूं तो मुझे देखता हूं बहुत सारी औरतें और बहुत सारे मर्द भी कॉलोनी के जिन क्यारियों में फूल और बेल पत्थर लगे उनको तोड़ते रहते हैं, हकीकत में चोरी करते रहते हैं, क्योंकि लगाया किसी ने है, किसी के घर पे है, और ये उसकी निगाह चुरा कर ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? भगवान पे चढ़ाने के लिए। भगवान पे क्यों चढ़ा रहे हैं? भगवान खुश होगा। भगवान क्या नाराज था आपसे? भगवान आपसे नाराज क्यों होगा? या जिस पेड़ पत्ती फूल को उसी खुदा बनने, उसी भगवान ने बनाया, वो उसको अपने ऊपर चढ़वा के खुश क्यों हो जाएगा? हकीकत यह है, हमारे समाज ने तंत्र बनाया। आज से 10, 15, 25, 50 साल पहले की पीढ़ियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और उनका पूरा जीवन डर पे चलता था। वो सांप से डरे, सांप को पूजने लगे, चांद और सूरज से डरे, उसको पूजने लगे, पेड़ से डरे, उसको पूजने लगे, शेर दिखा उसको भी पूजने लगे, जिससे डरे उसको पूजने लगे। तब समाज ने व्यवस्था दी कि भगवान को तुलसी चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, बेल पत्थर चढ़ाइए, भगवान खुश होगा। हकीकत में समाज चाहता था कि आप ये सब चीजें अपने आंगन की क्यारी में लगा लीजिए, जिससे आपको शुद्ध हवा मिले, तात्कालिक कोई औषधि की जरूरत हो वो मिल सके। हमने उसके मायने बदल दिए। अभी 40 साल 50 साल पहले तक
मंदिर शहर और गांव और कस्बे के बाहर हुआ करते थे, खासतौर पर जो शिवलिंग हुआ करते थे, शिव मंदिर जो हुआ करते थे, वो खुले में ही होते थे, बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे। कहा गया जाइए उस पर प्रोज पानी चढ़ाइए, शंकर जी को पानी से कुछ नहीं करना है, उनके तो जटा से गंगा निकली थी, वो आपके एक लोटा पानी से क्या करेंगे। असल हमारे समाज का इरादा था कि जब आप हर दिन एक लोटा पानी एक कच्चे स्थान पर डाल रहे हैं, नीचे जाकर वो रिस्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं जज्ब हो रहा है जमीन में, खुदा ना खास्ता कभी सूखे के दिन आए, कुछ आए, तो उस पेड़ के नीचे वहां पर आपको पानी का कुछ हिस्सा मिल जाए, क्योंकि उस समय हैंडपंप तो हुआ नहीं करते थे। अरब में पानी कम होता था, लोगों को कम पानी की जरूरत होती थी, लेकिन कहते थे कि आपको शुद्ध जरूर रहना है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, 5 बार आपको गुसल के बाद में वजू करना है। उन्होंने पानी कम है तो उन्होंने नीचे से हाथ धोना शुरू किया था, थोड़े कम पानी से हाथ धुल जाए। असल में इकोसिस्टम हमारे समाज की देन। अभी 30 और 35 साल पहले आपका जो इलाका है बड़ो, जिसको दुआब का इलाका कह लेते, इस तरफ गंगा, इस तरफ यमुना, इस तरफ हिंडन, उसके बीच की शानदार उपजाऊ जमीन, वहां पर कोई धान नहीं बोता था, क्योंकि कायनात ने बोला कि आप जो खाते हो, आपकी जो फूड हैबिट है वही आप उगाओ। लेकिन हमारी फूड हैबिट में राइस नहीं था वेस्टर्न यूपी की, हम लोगों ने धान उगाना शुरू कर दिया, यही पंजाब और हरियाणा में हुआ। आज वहां का ग्राउंड वाटर कहां पर है? इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन के लिए हमको अपनी फूड हैबिट को सुधारना होगा, इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन के लिए हमको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल में हमको देखना होगा कि हम किन मकानों में रह रहे हैं, उनके मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर क्या है, उस एक मकान को बनाने के लिए हम लोग प्रकृति को क्या क्या नुकसान कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं हमारी क्या एसेंशियल टी है, क्या वो लोकल प्रोडक्ट है कि नहीं है, हम जो पहन रहे हैं हमको ये देखना होगा कि वो जो हम कपड़े को पहन रहे हैं उसको कितने लंबे समय तक पहन सकते हैं, क्या हम गैर जरूरी रूप से बायोफ्यूल व्हीकल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ विकास की परिभाषा हो गई कि हम लोगों ने हाँ पैर में कीचड़ ना हो इसके लिए अपने गली को, अपने आंगन को हम लोगों ने सीमेंट से पोतना शुरू कर दिया। हमारे बुजुर्गान कहा करते थे कि जब कोई आपके घर मेहमान आता है और उसके पैर में जो रज कण लग के आते हैं, मिट्टी के कण लग कर आते हैं, वो अपना सौभाग्य आपके घर में लेकर आते हैं, सुबह बुहारू मारना उसका सौभाग्य घर में रह जाएगा, वो जो रज है मिट्टी है वो वापस अपनी जमीन पर पहुंच जाएगी। लेकिन हमने मिट्टी को गंदा मान लिया, हमने उसकी जगह सीमेंट पोतना शुरू कर दिया। अब बरसात का पानी सीधे गिरता है सीमेंट से, वो नाली में जाता है, नाली से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से फिर वो गुम हो जाता है समुन्द्र में, और महीने 2 महीने बाद बरसात के हम लोग हाय हाय करते रहते हैं कि हमारा पानी कहाँ गया। और उस परिस्थिति में जब हमारे सामने आज जलवायु परिवर्तन का खतरा सामने खड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं, ये नौतपा का कल आखिरी दिन था, नौतपे में कहा जाता था कि भयंकर तपता है, लेकिन आज अभी भी पानी बरस रहा है, यदि आप लोग सुन रहे होंगे बादल गरज रहे हैं, परसों भी पानी बरसा, जो पानी 3 दिन में बरसना चाहिए आजकल 3 घंटे में बरस जाया करता है। इन परिस्थितियों में हमको रिस्टोरेशन जरूर करना होगा, हमको ये देखना होगा कि सांप क्यों जरूरी है और गिद्ध भी क्यों जरूरी है, कौआ भी क्यों जरूरी है और गोरैया भी क्यों जरूरी है। हम अपनी सहूलियत के अनुसार से कि मुझको मेड़ पर लगी हुई खरपतवार को खत्म करना था, मैंने पेस्टिसाइड छिड़क दिया, उस पेस्टिसाइड के साथ में हमने कितने ऐसे मित्र जीवाणु मार दिए जो फसल को पकाने में, उसमें नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में मजबूत करते थे, और उसके लिए अब हम बाहर से चीजें डाल रहे हैं। थोड़े से प्रयोग करके देखिए, जहां तक संभव हो अपनी
मोहल्ले में अपने गांव में सीमेंट पोतने को विकास मत मानिए, थोड़ी मिट्टी कीचड़ को हो जाने दीजिए, थोड़ा कोशिश करिए। अगली बार आप किसी को तोहफा दें तो बेवजह का पैकिंग मत लपेटें, वो पैकिंग कचरे में जा रही है, उस कचरे का निपटारा नहीं हो पा रहा है। वो कचरा या तो शहरों से चुपचाप उठा के आप शरीर के छोटे कस्बों या गांव के किनारों में फेंक दिया जाता है, और वहां से उठा के आपके बड़ों शामली के बीच के जो ईंट भट्टे चल रहे हैं उसमें उसको जला दिया जाता है, जिसकी सांस, जिसकी हवा जो निकल रही है वो आप सबकी सांसों में समा रही है। इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की बात के लिए शुरुआत आपको अपने घर से करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं है। याद रखिए, आप पेड़ लगा सकते हैं लेकिन जंगल नहीं लगा सकते हैं, जंगल 200-300 साल में लगता है। एक आंधी में दिल्ली NCR में 100-150 पेड़ उखड़ जाते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से जंगलात का हिस्सा नहीं है। ये चुनौती है इस समय विज्ञान के लिए भी, समाज के लिए भी, और इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन के लिए भी। बातें इससे बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमको बिल्कुल ये सोचना होगा कि आज हमको नदी जो है रेत के लिए नहीं चाहिए, तालाब हमको मछली के लिए नहीं चाहिए, पेड़ हमको लकड़ी के लिए नहीं चाहिए, हमको आखिर ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए चाहिए, जो इसकी मूल आत्मा है। यदि हम उसको समझना शुरू करेंगे और हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को समझना शुरू करेंगे, तो आप जान के चलें कि हम रिस्टोरेशन इकोसिस्टम की बात कर बहुत सहजता से कर सकते हैं। हर धर्म में, हर पूजा पद्धति में इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो इकोसिस्टम को मजबूत करती हैं। मैंने बहुत सारा समय लिया, आप लोगों का आभार, धन्यवाद। आपने तो समय को हमारे कीमती कर दिया सर। पंकज चतुर्वेदी जी, आपके जितनी तारीफ की जाए कम है। अब आप देखिए कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग अब तक जुड़े हुए हैं जिनके पास हकीकत जो है इनका समय बहुत ही कीमती है। हमारी BSA मैडम जो है अब तक जुड़ी हुई हैं, आपको कितने गौर से सुन रही हैं, और हमारे अनीस अहमद जी प्रोफेसर साहब जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वो अब तक जुड़े हुए हैं आपको सुनने के लिए। उस्मान अहमद जी, ये सब जो हैं बिजी लोग हैं, आपके लिए जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, और आपने कितनी अच्छी बातें बताई। आपने तो वाकई प्रकृति से हमें बिल्कुल जोड़ दिया। आपने बताया कि रेस्टोरेशन इकोसिस्टम के लिए हम क्या कर सकते हैं। वाकई आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सभी जीव क्यों जरूरी हैं। हमें देखना होगा कि सांप भी जरूरी हैं, मेंढक भी जरूरी हैं, भी जरूरी हैं, तितली भी, ये सब चीजें आपने बताई, और आपने हमें वाकई सच्चाई से रूबरू कराया। आपने बताया कि कचरे को मत बढ़ाओ, दिखावा मत करो, क्योंकि इसका निस्तारण नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है अभी भी। और दूसरी बात है कि केवल पेड़ों की बात करते हैं जब हमारे पर्यावरण की बात आती है, जबकि पर्यावरण के लिए अगर हमें इसको संरक्षण करना है तो इकोसिस्टम को हमें देखना होगा कि इकोसिस्टम में हमारे क्या क्या है। वो आपने बिल्कुल ही विस्तारित तरीके से, जिस तरीके से हमें बताया बहुत ही कम समय में, हम आपका वाकई बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। वाकई आज आपने हमारे जो है इस सेशन को सफल कर दिया। और एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा था कि सही स्थान पर बोया गया सुकर्म का बीज ही वाकई महान फल देता है, और जॉन बेस साहब ने कहा था जब तक आप ढूंढते रहेंगे समाधान मिलते रहेंगे। और एक मैं छोटी सी कविता के साथ मैं इसका जो है अंत करना चाहूंगा, और सभी का धन्यवाद के लिए मैं एक बात यामिन जी, एक बात और मैं बताना चाहूंगा। हम लोगों ने, मैंने कोशिश किया है कि हम लोगों को अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील कर पाए। तो वैसे तो मेरी बहुत सारी पर्यावरण पर किताबें, लेकिन हाल में मैंने एक किताब को एक पब्लिशर को इसलिए दिया, उस किताब का नाम है लहरों में जहर, और उसमें देश की 10 नदियों की स्थिति के बारे में अध्ययन है, उसमें हिंडन नदी पे भी है। और ये 100 पेज की किताब है, और इसको मैंने केवल 10 रुपए में पब्लिशर से लाने को कहा, और जयपुर का बोधि प्रकाशन है वो 10 रुपए में इस किताब को लेकर आया है। और कई जगह ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश में स्कूल लेवल पर टीचर्स ने इकट्ठी की किताबें और लोगों को दी और उस पर चर्चा की है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है इस तरीके का कि लोग नदियों के प्रति संवेदनशील हो। जैसे हिंडन पे मैंने बात की, बताया कि हिंडन के नष्ट होने से हम लोगों को क्या क्या नुकसान हो रहा है, हमारी खेती को क्या नुकसान हो गया, हमारे हैंडपंप्स के पानी को क्या नुकसान हो गया, ऐसे ही उसके अंदर बहुत सारी छोटी नदियों की भी चर्चा है। तो जब कभी आप लोग चाहें तो उस किताब को जरूर मंगाएं और अपने मित्रों को डिस्ट्रीब्यूट करें। वो किताब मैंने इसीलिए इतनी सस्ती की, उसकी मैं कोई रॉयल्टी नहीं ले रहा हूँ, उस किताब की पूरी तैयारी करके मैंने इसलिए दी
क्योंकि वो कम खर्चे में आ सके। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने बताया कि नदियों के लिए आपने जो नदियों में जहर कैसे घुल गया, और बहुत ही सस्ती किताब है, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे लोगों को पढ़वाने की। और एक छोटी सी पोएम है, उसके बाद में इसको जो है अजय तोमर जी को और इरफान मलिक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है सबका धन्यवाद करें कि डू ऑल द गुड यू कैन इन ऑल द वेज यू कैन टू ऑल द पीपल यू कैन इन एवरी प्लेस यू कैन एट ऑल द टाइम्स यू कैन विद ऑल द जील यू कैन एज लॉन्ग एज एवर यू कैन, के जहां भी जैसे भी सदैव हर स्थान पर हर व्यक्ति के लिए आप जितना भी हो सके एक जोश के साथ, अच्छाई के साथ, पूरे उत्साह के साथ आप भलाई का काम करते रहें। और एक बात और, एक कन्फ्यूशियस जी ने कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है उसने समझो अपना भला पहले ही कर लिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हम वाकई जो है अपना भला करें तो हमें दूसरों के भले के बारे में सोचना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हमारा भला हो जाएगा। मैं अजय तोमर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी का धन्यवाद करें और एक बार सबका जो है कैमरा ऑन करा करके फोटो भी लेने जरूरी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे साथ जुड़े, आपकी स्मृतियां हमारे साथ रहेंगी फोटो के रूप में। और फिर इरफान मलिक जी से लास्ट में मैं चाहूंगा कि वो सबका धन्यवाद करें। अजय तोमर जी एक बार फोटो ले लें यहाँ पर, फिर उसके बाद दो शब्दों में आप इनका जो है सबका धन्यवाद करें। जी, सभी से सभी का हार्दिक आभार अभिनंदन। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपना कैमरा ऑन कर लें जिससे मैं सभी के फोटो ले चुकी। धन्यवाद सर, सभी के हो चुके हैं। आज का जो कार्यक्रम खिदमत सोसाइटी द्वारा किया गया है, इसमें मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमीन भाई ने जो सौभाग्य दिया है उसमें सभी विद्वानों के जो विचार थे वो सुने, बहुत अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिले। हमारी आदरणीय बीएससी मैडम भी जुड़ी और अभी तक जुड़ी हुई है हमारे साथ में, और अनीस जी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े, उन्होंने भी प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताया। और आखिरी में पंकज जी, जैसे अमीन भाई ने कहा, उन्होंने गागर में सागर भर दिया पारिस्थिति के बारे में, बहुत ही सुंदर। और मैं तो चाह रहा था कि चलता रहे, मैं नहीं चाह रहा था कि वो बोलना रोके, मैं चाह रहा था कि वो बोलते रहे और मैं सुनता रहूं, आत्मसात करता रहूं। बहुत अच्छा लगा मुझे उनका। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ तो हमारे यहाँ तो पारिस्थितिकी से के बारे में बताया भी जाता है कि जैसे सर ने बताया कि फसलें भी इसी हिसाब से हम लोग जो हमारा है कि अगर आप उथली जड़ वाली या जो कम गहराई जड़ वाली अगर फसल उगाते हैं, अगली बार आप गहरी जड़ वाली उगाइए, एक बार आप कम पानी वाली फसल उगाइए, अगली बार ज्यादा पानी वाली फसल उगाइए, इससे प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और पर्यावरण हमारा बना रहेगा और हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। मैं जैसा कि ऑक्सीजन पे चल रहा था, एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ कि पिछले साल यामिन भाई को तो पता है कि मैं कोविड में ग्रसित हो गया था और 15 दिन में ऑक्सीजन पे रहा था। वो एक समय ऐसा था जब मुझे ऑक्सीजन की कीमत का पता चला, मैं चाहकर भी मेरे शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो लगाकर भी मैं ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था। तो उससे बचने के लिए हमें पर्यावरण के लिए आना पड़ेगा, जैसे जो पंकज सर ने और सभी ने बताया उसका अनुसरण करना होगा। और इसके लिए मैं आप सबने जो विचार दिए और मुझे उसका सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो उसके लिए आप सबका हार्दिक आभार अभिनंदन, धन्यवाद। अब मैं हमारे खिदमत सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान मलिक साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सभी का धन्यवाद करें। और डॉक्टर मंसूर साहब जो हमारे बीच में, जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट किया हमारा लखनऊ से, और इस सेशन को हम कभी भी लाइव देख सकते हैं, उनका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं। और डॉक्टर इरफान मलिक जी आए और सभी का धन्यवाद करें। इरफान मलिक, सबसे पहले तो धन्यवाद मास्टर जी, मैं आपका दूंगा। हकीकत में आपने इतना अच्छा प्रोग्राम हमें देखने को सुनने को दिया है, इसके लिए मैं बहुत ही, जो कहते हैं ना कि सब कुछ भूल गया था, जो चतुर्वेदी जी जो बोल रहे थे, अपना सब कुछ सब ध्यान यही लगा लिया था, इधर उधर भी मतलब मैं जो कुछ काम करता था। तो हमें जमीन से जोड़ने का काम किया है, अनिश अमन जी ने भी, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी अच्छी शख्सियत आज इसमें मीटिंग में जो बोले हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट में बस सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आपसे हम सीखेंगे,
और जितना हम सिखा सकते हैं, जितना हम आपसे ले सकते हैं वो सब लेके जाएं, और आगे भी हम फिल्म सोसाइटी इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे कि अपना कीमती वक्त देते रहें हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में एक जय खिदमत सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ मैं बताना चाहता हूँ कि खिदमत सोसाइटी वेलफेयर और एजुकेशन पे तो काम करती है और साथ में पर्यावरण पे भी काम करती है। और 2013 में एक प्रोग्राम शुरू किया था अर्थ वाटर के नाम से। जो ये वाटर है इसकी फुल फॉर्म है, W से बनता है वाटर, A से बनता है एयर, T से टेम्परेचर, यानी कि एयर हमें हवा को भी शुद्ध रखना है, और फिर T टेम्परेचर यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, कारक हैं, उनको हमें कम करना है, और फिर E से एनर्जी, एनर्जी को हमें जितना भी हो उसकी बचत करनी है, और R से रिवोल्यूशन यानी कि हमें पर्यावरण में जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी घटक होते हैं इकोसिस्टम से जुड़े हुए, जितने भी घटक हैं उनमें हमें सबका संरक्षण करना है, उस पर जो है खिदमत सोसाइटी काम कर रही है। तो हमें आप सबकी दुआओं की जरूरत है, हम एजुकेशन में बढ़िया क्वालिटी देते रहें और हम पर्यावरण पे इसी तरीके से लोगों को जागरूक करते रहें। आप सबका हमें आशीर्वाद मिलता रहे, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें भविष्य में भी इसी प्रकार से अपना मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और आज के हम जो है इस सेशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। उस्मान साहब कुछ कह रहे हैं? जी जी कहिए कहिए उस्मान साहब। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, सभी का धन्यवाद, जय हिंद।